विराजो सर। गुड मॉर्निंग मेरे भाई। नाइस क्या बात। हाँ? ए गदों। यस यस यारों, कल आपको वो क्वेश्चंस नहीं मिले थे वो आज सारे साथ में दूंगा। आपसे बस ये अपेक्षा है मेरी कि आज हम कुछ बढ़िया पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आप लोग क्या क्या कर चुके हैं बेटा जी। द बेस्ट द ऑप्टिमम थिंग वुड बी कि जो तीन रेगुलेशन हमने कंप्लीट किए हैं, टेक ओवर कोड, डीलिस्टिंग रेगुलेशन, बायबैक, इसके अंदर सबसे पहले आपने रिविजन लेक्चर अटेंड करना होता है। स्टेप वन अच्छे से किया, उसके बाद में चाहिए तो घर जाके रिविजन लेक्चर में जो पढ़ा उसका एक रिविजन भी आप कर सकते हो। ये हुआ। नेक्स्ट इज आपके मेन नोट्स, आपके मेरे नोट्स, किसी और टीचर के नोट्स, मॉड्यूल, जिससे भी आप पढ़ते हो, जो आपकी मेन बुक है वो रीड करना, बिकॉज जब आप उसको पढ़ेंगे तब आपको कुछ नई चीजें देखने को मिलेगी 100%, लेकिन सारी डिफिकल्ट चीजें यहां पे कवर्ड होगी तो आपके लिए काफी आसान हो जाएगा उसको पूरा पढ़ना। थर्ड इज देन स्कैनर। सर हमारे पास स्कैनर नहीं है। बेटा जी सॉफ्ट कॉपी ले लो, आजकल टेलीग्राम है आपके पास, मूवीज के साथ में वो स्कैनर भी देता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको मिल ही जाएगा। या फिर आप जाके कुछ स्कैनर सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल होते हैं, एज एन यू कैन परचेज ऑल्सो इन सॉफ्ट कॉपी, वो कर लो जहां से आपको करना है। जाके आपको फिजिकल कॉपी खरीदनी है खरीद लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट स्कैनर के एक बार पास्ट ईयर क्वेश्चंस को देखना है, सारे क्वेश्चंस को कंपल्सरीली, कि हाँ इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं। जब आप स्कैनर देखेंगे आपको एक चीज परेशान करेगी कि वहां पे कुछ ऐसे सब टॉपिक्स होंगे जो कि ओल्ड सिलेबस के होंगे, जो आपको अपने मॉड्यूल में भी नहीं दिखेंगे, ऐसा होगा तो उनको शांतिप्रिय तरीके से एक बार रीड कर लेना चाहिए। होता क्या बेटा जी, एक तो सिलेबस चेंज होता है, और मैंने आपको पहले बताया हमारा आईसीएसई काफी इनोवेटिव है। पहले सब्जेक्ट का नाम था कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ, उसको सीएमएसएल कहा करते थे, फिर सिलेबस चेंज हुआ कुछ 4 साल पहले, फिर इसका नाम कर दिया सिक्योरिटीज लॉ एंड कैपिटल मार्केट, एंड अभी जो न्यू सिलेबस प्रपोज किया है ना 2023 का, उसमें इसका नाम कर दिया है कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। कुछ तो नया है, बहुत बढ़िया, वही रिश्ता वही सोच नहीं, तो यहाँ पे चल रहा है अच्छे से। पर आपको क्या करना होता है कभी भी, और टाइम टू टाइम इंस्टीट्यूट सिलेबस चेंज करती है और मॉड्यूल भी अपडेट करती रहती है। तो मान लीजिए पहले जो मॉड्यूल था वो तकरीबन 1 साल पहले अपडेट किया था, तो कुछ चीजों को ऐड करके कुछ चीजों को डिलीट कर देते हैं, ऐसा होता है। इवन इन द सेम सिलेबस ऑल्सो, जो सिक्योरिटीज लॉ, इसके अंदर भी 2 से 3 बार मॉड्यूल अपडेट हो चुकी है इस सिलेबस में भी। तो उसमें कभी कभी अगर आप स्कैनर देखोगे ना, तो होगा क्या, आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे जो टॉपिक मॉड्यूल में ही नहीं है। तो आपको क्या करना होता है, आपको उन्हें एक बार रीड करके समझ लेना होता है। फिर भी उससे होता क्या है, एग्जाम में अगर कभी सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, हर पेपर में सरप्राइज क्वेश्चन आते हैं, आप पेपर देखेंगे आपका 100 मार्क्स का पेपर, 120 मार्क्स का जो पेपर आता है वो पूरा आपके नोट से, आपके बुक से, मॉड्यूल से नहीं आता है, 15-20 मार्क्स के कुछ सरप्राइज क्वेश्चन रहते हैं। तो ये सब चीजों को गो थ्रू करने से एक पॉसिबिलिटी रहती है कि शायद उन सरप्राइज क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर पाए। बस बट इससे घबराना नहीं है, पेपर पैटर्न हमेशा वैसे ही आएगा। 120 मार्क्स का पेपर आएगा जिसमें 50-60 मार्क्स का पेपर एकदम फुद्दू एकदम ईजी आएगा, 20-30 मार्क्स का पेपर थोड़ा सा मॉडरेट आएगा, और 20-30 मार्क्स का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट आएगा। एंड दिस इज द पेपर जो कि हमेशा आता है, और इसी में बच्चे 70-70 मार्क्स भी स्कोर करते हैं। तो शांति से रहकर आपको अटेम्प्ट करना होता है, कैसे अटेम्प्ट करते हैं इस पर बाद में बात करेंगे। बट हाँ, टेक ओवर कोड, डीलिस्टिंग रेगुलेशन, बायबैक रेगुलेशन में ये सब करना होता है, और इसके बाद में आपको कोई भी दो क्वेश्चन मैं भेजने की कोशिश ही करता हूँ, बट आपको थोड़ा सा राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए, 1, 2, 3 क्वेश्चन जो भी आपकी श्रद्धा है। तो ये अगर आपने कर लिया है देन देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड व्हिच कैन स्टॉप यू। बट हाँ, आपकी अपेक्षाएं अगर ये हैं कि सर हम तो क्या क्या ये कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर हम बस सब हो जाएगा, क्या इट डजंट वर्क दैट वे। आपको 100% एग्जाम में पास होने के लिए
ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ये रिवीजन आपकी मदद कैसे करता है कि रिवीजन करने के बाद जब आप खुद से पढ़ने बैठते हैं तो जो टॉपिक पढ़ने में आपको शायद 10-12 घंटे लगते हैं वो आप 3 से 4 घंटे में कंप्लीट कर पाओगे, बिकॉज जो भी उसके डिफिकल्ट एरियाज हैं वो सब यहाँ पे मैंने फास्ट ट्रैक तरीके से कवर कर लिए। तो दैट इज वेर इट इज टू हेल्प यू, बट इंश्योर करो यू आर दी ओनली वन हु कैन हेल्प यूर सेल्फ, ऐसा तो ये भरोसा रखो और मेहनत करो। चलिए, आई होप आई हैव कम्युनिकेटेड थिंग्स वेरी क्लियरली, ठीक है बेटा जी। चलिए अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक बहुत ही प्यारा टॉपिक है। यस 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 यस, LODR रेगुलेशन, वंडरफुल 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 रेगुलेशन। LODR एक ऐसा रेगुलेशन है जो कि प्रैक्टिकल लुकआउट से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। प्रैक्टिकल लुकआउट से इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेशन। द मोमेंट यू स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, जो आपको एक्चुअली करना है दैट इज गोइंग टू बी LODR। वहां पे आपको डीलिस्टिंग, टेक ओवर, बायबैक ये सब नहीं मिलेगा। अरे एक कंपनी बायबैक कितनी बार करती होगी अपनी जीवन में? 1-2 बार। और आपको ऐसी कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा? दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो रेयर। सारी कंपनीज बायबैक करती नहीं है। डीलिस्टिंग, कितनी कंपनीज का डीलिस्टिंग होती होगी? हजारों में एक कंपनी का। हम बात करते हैं टेक ओवर, कितनी कंपनीज के ऊपर ओपन ऑफर आता होगा? हजारों में एक कंपनी का। तो ये टॉपिक्स हैं जो अकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफिकल्ट है बट अकेडमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू LODR, LODR एक ऐसा टॉपिक है जो अकेडमिकली छोड़ दो, प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड दैट इज वाई इन रिसेंट ईयर अगर आप देखोगे पिछले कुछ अटेम्प्ट के पेपर, तो एग्जामिनेशन के अंदर LODR का वेटेज बढ़ता जा रहा है। पहले LODR एक बहुत छोटा सा चैप्टर हुआ करता था, उससे क्वेश्चन इतने नहीं आते थे, बट देर आफ्टर पिछले 2-3 सालों से अगर आप देखोगे, पिछले 2-3 अटेम्प्ट देखोगे, तो LODR का वेटेज बढ़ता जा रहा है एग्जामिनेशन के अंदर, डिस्पाइट दिस बीइंग अ इजी चैप्टर। तो एकदम शिद्दत से डिस्कस करेंगे हम लोग आज क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। LODR का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है वो मैं यहाँ पे पहले लिख के लाया हूँ आपके लिए। चलो, क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट है LODR के अंदर? सबसे पहले तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, LODR का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये डिस्कस इसलिए करना है क्योंकि इसमें कुछ चेंज आया है। फिर आती है एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ठीक है, फिर कंप्लायंस अंडर LODR, ये एग्जामिनर का एक फेवरेट टॉपिक है। वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफ ईयरली कंप्लायंस, ईयरली कंप्लायंस, इवेंट बेस्ड कंप्लायंस। फिर आते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, क्या होता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस डिटेल में बताऊंगा, उसमें बहुत सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। प्रायर इंटीमेशन इज ओके, डिस्क्लोजर ऑफ इवेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज ओके, रेगुलेशन एप्लीकेबल ऑन टॉप 500,000-2,000 लिस्टेड एंटिटीज, ये सब चीजें जो हम करने वाले हैं। This comprise of almost 80% of your LODR का chapter, ये सारे topics, 80% of LODR का chapter यहाँ पे complete हो जाता है। इन सब में मैं क्या cover नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक related party transaction यहाँ पे cover नहीं करूँगा। क्यों नहीं कर रहा हूँ? यहाँ पे हम लोग एक fast track तरीके से पढ़ते हैं। Related party transaction LODR के अंदर एक ऐसा area जो कि आपको बहुत आसानी से, बहुत slowly समझना होगा, तो उस पर एक separate video detail में लेकर आऊँगा। जैसे कि टेकओवर कोड में एग्जम्पशन अलग से था, वैसे ही अलग से होगा। वो अलग से मैंने अभी तक रिकॉर्ड नहीं किया है, तो प्रोबेबली जब भी समय परमिट करेगा मैं अलग से तो लाइव आके या सेपरेट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। दैट इज गोइंग टू बी अबाउट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन अंडर LODR। ये पहले सिलेबस में भी नहीं था, ये बाद में सिलेबस में ऐड हुआ है, तो इसको आपको डिटेल में ही पढ़ना होगा। इसको छोड़ के बाकी सारी चीजें हमारे यहाँ टारगेट रहेगा कि हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लें। सो द चैप्टर्स नेम इज लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, जिसको प्रेम से हम कहते हैं LODR। अच्छे समझो इसका मतलब क्या है, क्यों मैं कह रहा हूं प्रैक्टिकली इतना इंपॉर्टेंट है। एज सून एज अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड एंटिटी, जैसी एक कंपनी एक लिस्टेड एंटिटी बन जाती है, लिस्ट होते ही उसके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, उसके ऊपर कुछ डिस्क्लोजर के रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, और वो सब लिखे हुए हैं LODR में। LODR की हिस्ट्री 2 मिनट में डिस्कस करता हूं फटाफट से। LODR की हिस्ट्री कैसी है? नॉर्मली अगर आप देखोगे तो जैसे कि आपका ICDR रेगुलेशन है, तो ICDR पहले भी था, तकरीबन इफ आई कैन रिमेंबर इट वाज 2009 का रेगुलेशन, इसको रिपील करते हुए आया था ICDR 2018। जैसे कि अभी आप लोग पढ़ रहे हैं डीलिस्टिंग 2021, तो ये पहले भी था डीलिस्टिंग रेगुलेशन 2009। तो ये जो भी आपको रीसेंट रेगुलेशन दिखते हैं, जैसे कि आप पढ़ते हैं अभी आपका बायबैक रेगुलेशन 2000, बायबैक क्या है 18 है, मैंने बोल दिया 18 तो आपने मान लिया 18। इसी प्रकार का बायबैक का एक पुराना रेगुलेशन भी हुआ करता था। तो ये सब पुराने रेगुलेशंस थे जो कि रिवाइज होकर नए रेगुलेशंस बने जो लेटेस्ट हमको दिखते हैं। लेकिन व्हेन इट कम्स टू LODR 2015, LODR का पुराना कोई रेगुलेशन ही नहीं था। 2015 में पहली बार इस प्रकार का एक रेगुलेशन बनाया गया। तो सर 2015 के पहले कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होती थी तो उसके ऑब्लिगेशंस, उसके डिस्क्लोजर कैसे बताए जाते थे? वो बताए जाते थे थ्रू द मेथड ऑफ अ लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो पहले ट्रेंड कैसा था?
जब भी कोई कंपनी लिस्ट होती थी स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर, द कंपनी हैड टू एंटर इनटू एन अग्रीमेंट नोन एज लिस्टिंग अग्रीमेंट। तो कंपनी आज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होना चाहती है, कंपनी को एक अग्रीमेंट एंटर करना होगा जिसका नाम होगा लिस्टिंग अग्रीमेंट, जिसमें स्टॉक एक्सचेंज बोलेगा कि अगर आपकी कंपनी को हमारे प्लेटफॉर्म पे लिस्ट होना है देन यू हैव टू इंश्योर। नॉर्मली आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितनी बार बनाते हो? सर हम ईयर एंड पे बनाते हैं। नहीं, साल में 4 बार बनाना होगा। आपके यहाँ पे कोई आप सीएस को अपॉइंट करते हो क्या? नहीं सर, अपॉइंट करना पड़ेगा। तो स्टॉक एक्सचेंजेस यूज टू कीप रिक्वायरमेंट के अगर आपको लिस्ट होना है तो आपको इन सब कंप्लायंस को करना होगा। वो सब किसमें लिखा होता था? लिस्टिंग अग्रीमेंट में। पर प्रॉब्लम क्या होती थी? मान लीजिए कंपनी वन लिस्ट हुई, उसने एक लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर कर लिया, कल को एक कंपनी टू गई स्टॉक एक्सचेंज के पास कि हमें भी लिस्ट होना है, स्टॉक एक्सचेंज उसके साथ भी लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर करता था, बट अग्रीमेंट इज ऑलवेज सब्जेक्ट टू नेगोशिएशन। फिर वो कंपनी बैठती थी सामने, वो कंपनी कहती थी कि सर ये जो आपके 25 क्लॉजेस हैं इसमें से 24 तो ठीक है, बट ये क्लॉज हमें हम इसके लिए रेडी नहीं है। तो हो सकता है स्टॉक एक्सचेंज देखता था कि एक बड़ी कंपनी है तो इसको हम परमिट कर देते हैं, तो क्लॉजेस अलग हो गए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होती थी? स्टॉक एक्सचेंज का जो हर एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता था वो यूनिफॉर्म नहीं होता था। तो हर एक कंपनी के साथ में अलग अलग ऑब्लिगेशन, मतलब एक्स कंपनी अगर लिस्ट हुई है तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग, वाई कंपनी लिस्ट हुई तो उसके लिए रिक्वायरमेंट अलग। तो ये जो लिस्टिंग अग्रीमेंट के क्लॉजेस हुआ करते थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे, एंड दिस लीड्स टू अ बायसनेस कि कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं ऑन डिफरेंट टर्म्स एंड कुछ कंपनीज लिस्टेड हैं ऑन डिफरेंट टर्म्स। सेबी ने ये समझा इन द ईयर 2015 के पहले, एंड देन इस पूरी सिचुएशन को हटाने के लिए वो लेकर आए सेबी एलओडीआर रेगुलेशन 2015। तो ये लाने का उद्देश्य ये था कि अब क्या होगा, कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होगी तो पहले जो सारे टर्म्स एंड कंडीशन आप लिस्टिंग अग्रीमेंट में लिखते थे अब वैसा कुछ नहीं होगा। कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होती है स्टॉक एक्सचेंज पे तो उनके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है दैट विल बी नाउ गवर्न्ड बाय एलओडीआर रेगुलेशन। तो उससे अब यूनिफॉर्मिटी आ गई कि आप भले कोई भी कंपनी लिस्ट होगी उसको टर्म्स एंड कंडीशन अपने अग्रीमेंट के फॉलो नहीं करने, उसको एलओडीआर के फॉलो करने, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्मिटी आ गई। तो सर क्या आज स्टॉक एक्सचेंज से अगर आप लिस्ट होते हो तो लिस्टिंग अग्रीमेंट साइन नहीं करते? आज भी करते हैं लिस्टिंग अग्रीमेंट को साइन, लेकिन आप ऐसा समझो कि पहले अगर लिस्टिंग अग्रीमेंट 200 पेजेस के हुए करते थे तो अब ये लिस्टिंग अग्रीमेंट 5 पेजेस के हो गए। क्यों? क्योंकि पहले सारे टर्म्स एंड कंडीशन लिस्टिंग अग्रीमेंट में होते थे कि आपको साल में 4 बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, आपको कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, आपको शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना है, आपको अपना कॉर्पोरेट गवर्नेंस फॉलो करना है, आपको अपने जो भी इन्वेस्टर ग्रीवेंसेज आए वो आपने कितने रिजोल्व कर दिया, उसका क्वार्टरली रिपोर्ट देना है, ये सब चीजें लिस्टिंग अग्रीमेंट में लिखा करते थे। और अब वो सब चीजें चली गई एलओडीआर में, तो अब लिस्टिंग अग्रीमेंट 5 से 10 पेज का हो जाता है कि हाँ ठीक है हम आपको लिस्ट कर रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन एंड साइन कर देते हैं ऐसा। सो दिस इज हाउ एलओडीआर हैज कम इनटू पिक्चर। तो एलओडीआर का अगर कहीं ऑब्जेक्टिव दिखता है तो उसका ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होता है, एलओडीआर का ऑब्जेक्टिव टू फोल्ड रहता है। पहला तो यही है टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी, यूनिफॉर्मिटी लानी थी लिस्टिंग अग्रीमेंट के क्लॉजेस में, नॉर्म्स में, तो उसके लिए लाया एलओडीआर। दूसरा एक और चीज क्या है, हम कंपनीज एक्ट भी पढ़ते हैं और हम सिक्योरिटीज लॉ भी पढ़ते हैं, अच्छे से फोकस करना। सिक्योरिटीज लॉ जो है ना वो एक एडवांस वर्जन ऑफ कंपनी लॉ रहता है कि कंपनी लॉ में जो चीजें लिखी गई है दैट इज एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज, लेकिन सिक्योरिटीज लॉ में जो लिखा हुआ है दैट इज एप्लीकेबल ऑन लिस्टेड कंपनीज ऑफ कोर्स। तो कंपनी लॉ और सिक्योरिटी लॉ शुड सप्लीमेंट ईच अदर, इनका कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए। जो भी चीज कंपनी लॉ कहता है सिक्योरिटी लॉ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दो आप, यहां तक ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन होना नहीं चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कंपनी लॉ कह देता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनी के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, तो सिक्योरिटी लॉ ये कह सकता है कि अगर आप लिस्टेड कंपनी में बनना चाहते हैं तो आप मैक्सिमम 7 कंपनी में बन सकते हो, 8 कंपनी बन सकते हो। दिस इज सप्लीमेंटिंग, कंपनी लॉ कहता है कि एक व्यक्ति 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है जिसमें से मैक्सिमम 10 पब्लिक हो सकती है, ऐसा पढ़ा है ना हमने, बिल्कुल ठीक है। सिक्योरिटीज लॉ ये कह सकता है लेकिन एक व्यक्ति लिस्टेड कंपनी है तो मैक्सिमम 7-8 कंपनी में भी डायरेक्टर बन सकता है, सो दैट इज ओके। तो कभी भी अगर सिक्योरिटीज लॉ बनता है दैट शुड सप्लीमेंट कंपनी लॉ, सिक्योरिटी लॉ शुड नॉट कॉन्ट्रडिक्ट कंपनी लॉ। कब कॉन्ट्रडिक्शन होता था सुनना समझना अच्छे से,
कंपनी लॉ कहता है कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, और सिक्योरिटी लॉ कह रहा था कि एक व्यक्ति मैक्सिमम 25 कंपनी में बन सकता है, तो कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता। लेकिन अगर इन्होंने कंपनी लॉ से स्ट्रिक्ट लिमिट रखी है तो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, कि अगर आप नॉर्मल कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहते हो तो 20 और 10 की लिमिट है, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी बनना चाहते हो तो लिमिट कम होकर 7-8 की हो जाएगी। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो इस तरह से इट शुड सप्लीमेंट। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव एलओडीआर का ये था टू एंश्योर दैट योर ऑल द प्रोविजंस आर अलाइंड विथ कंपनीज एक्ट। अब होता क्या था, जब लिस्टिंग अग्रीमेंट में आप क्लॉसेस बनाते थे तब आप हर एक चीज में कंपनीज एक्ट को चेक करने थोड़ी ना जाते थे, तो वहां पे कभी कभी कॉन्ट्रडिक्शन भी हो जाता था। तो इन डुअल पर्पस के लिए एलओडीआर 2015 को लेकर आया था कि अलग अलग लिस्टिंग अग्रीमेंट नहीं होंगे, एक ही प्रोविजन होगा जो सबके ऊपर अप्लाई करेगा, उसको हमने बना दिया लॉ, दैट इज एलओडीआर रेगुलेशन। आज की तारीख में कोई भी कंपनी अगर लिस्ट होना चाहती है स्टॉक एक्सचेंज पे तो वो अबाइड करेगी बाय एलओडीआर रेगुलेशन। इजी पीजी, दैट इज द हिस्ट्री ऑफ एलओडीआर, नॉट नाउ। चलिए, ये हिस्ट्री हो गई। सर, हिस्ट्री के बाद में अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आएगा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अच्छे से समझना। कैसा है बेटा जी? मेन जो मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक पढ़ाना शुरू करना है वो यहां पे शुरू होगा, कंप्लायंस के अंदर, यहां से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू हो जाता है। लेकिन उसके पहले का अगर बैकग्राउंड आपको समझा है तो एलओडीआर दिल में अच्छे से बैठेगा। तो हिस्ट्री समझ में आ गई एलओडीआर क्यों आया था। कभी ये नहीं सोचेंगे कि 2015 के पहले एलओडीआर कहां था, उसके पहले एलओडीआर था ही नहीं। This provision, this regulation has not come up by repealing some other regulation. This is a fresh new regulation of 2015. एक और बात बताता हूँ, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। जो भी companies 2015 के पहले listed थी, उन सब ने तो proper detail listing agreement enter किया होगा। तो 2015 में जब LODR आया, उसके बाद में SEBI ने notification दिया कि जितनी भी listed companies हैं, उनको अपने पुराने listing agreements को cancel करके एक नया listing agreement enter करना है with stock exchange. क्यों किया था? क्योंकि पुराने लिस्टिंग अग्रीमेंट में आपके टर्म्स एंड कंडीशन लिखे थे, अब वो वैलिड नहीं है। अब तो आपके टर्म्स एंड कंडीशन गवर्न किए जाएंगे बाय एलओडीआर, तो अब आप उसको कैंसिल करो और एक नया लिस्टिंग अग्रीमेंट एंटर करो, एकदम कंसाइज सा, कि हां, यू आर एंटरिंग इनटू अ लिस्टिंग अग्रीमेंट एंड यू विल बी कंप्लाइंग विद एलओडीआर। तो ये सब कहा था। तो 2015 में एलओडीआर एक नया रेगुलेशन है। अब आता है दूसरा, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, अच्छे से फोकस करना है। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में हम क्या पढ़ रहे हैं कि एलओडीआर जो रेगुलेशन है वो किस प्रकार से बनाई गई है। LODR कोई भी रेगुलेशन की बात करते हैं तो वो चैप्टर्स में डिवाइडेड होती है, चैप्टर 1, 2, 3 इस प्रकार से। यहां पे उसका मैं ले लेता हूं पर्टिकुलर्स। चल सबसे पहले आपको आपके मॉड्यूल पे लिए चलते हैं, स्क्रीन पे फोकस। यहां पे आज इसके अंदर हम लोग मॉड्यूल को ही ओपन करने वाले हैं। मॉड्यूल कहां है तू? नहीं नहीं नहीं, यस, फोकस ऑन द स्क्रीन। यस पीपल, फोकस हियर। एलओडीआर, इसके अंदर अगर हम देखते हैं, सबसे पहले इन्होंने यहां पे एक ये रेगुलेटरी फ्रेमवर्क दे रखा है, फोकस करना अच्छे से। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, जैसे कि कंपनीज एक्ट में पूरा एक्ट चैप्टर्स में डिवाइडेड है, वैसे ये भी चैप्टर में डिवाइडेड है। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझना, अगर ये समझ गया तो एलओडीआर समझना आसान हो जाएगा। जिस प्रकार के रीसेंट पेपर्स आ रहे हैं, एलओडीआर को थोड़ा समय स्लो ले रहा हूं कंपैरेटिवली अदर रेगुलेशन के, तो केयरफुल फोकस करो। चैप्टर 2 प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर एंड ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। चैप्टर 2 के अंदर क्या है अच्छे समझना, चैप्टर 2 डज नॉट गिव एनी रूल, इट गिव्स प्रिंसिपल्स। सर, प्रिंसिपल्स और रूल्स में क्या फर्क होता है? यहां पर उन्होंने क्या कर रखा है कि हमने आगे जो भी कंप्लायंसेस रखे हैं, जैसे कि हर एक लिस्टेड एंटिटी, अगर आप लिस्ट हो रहे हैं तो आपको साल में 4 बार अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करने होंगे, आपको हर क्वार्टर के एंड में अपने इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस का रिकॉर्ड देना होगा, आपको हर क्वार्टर के एंड में कंप्लायंस रिपोर्ट देनी होगी। तो ये सब चीज हमने लिस्टेड एंटिटी पर रखी है, इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, लॉजिक क्या है, रूल क्या है, आखिर ऐसे हमने कंप्लायंसेस क्यों रखे हैं, ये वो देते हैं चैप्टर नंबर 2 में। Principles governing disclosure and obligation, कि जो हमने disclosure और obligations रखे इतने quarterly, half yearly, ये क्यों रखे हैं, इसका logic क्या है, इसके पीछे उद्देश्य क्या है, principles क्या है। सुंदर बात ये है, that is, ये जो पूरा है, ये आपके syllabus में executive पे नहीं आता है, ये professional level पे आएगा। professional पे भी LODR का एक chapter आता है, उसके अंदर principles हैं, executive के syllabus में principles नहीं रखेगा। Wonderful. तो पहला chapter है preliminary. प्रिलिमिनरी तो वही बात करता है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, डेफिनेशन, तो लाइफ इज इजी। फिर आ जाता है प्रिंसिपल्स गवर्निंग। प्रिलिमिनरी में 3 चीजें आती है वैसे,
शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, ये सब भी सिलेबस में नहीं है। दूसरा आ जाता है यहाँ पे आपके, समझ लीजिए डेफिनेशन, एंड एक चीज आ जाएगी एप्लीकेबिलिटी, कि एलओडीआर किस किस पे एप्लीकेबल है, ठीक है। फिर आता है आपका, तो ये रेगुलेशन नंबर वन, रेगुलेशन नंबर टू, रेगुलेशन नंबर थ्री। रेगुलेशन नंबर फोर जो है आपका, वो बात करता है अबाउट चैप्टर टू, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर, प्रिंसिपल्स गवर्निंग डिस्क्लोजर, ये भी नहीं है। एग्जीक्यूटिव का सिलेबस शुरू होता है यहां से, चैप्टर थ्री से, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। अब इसका मतलब समझना अच्छे से, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी का मतलब है, आज आपने अपने कोई भी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट किया है, आपने इक्विटी शेयर लिस्ट किए, आपने डेट सिक्योरिटी लिस्ट किए, आपने अपने कोई डिपॉजिटरी रिसीट्स लिस्ट किए हैं, आपने कोई भी यूनिट्स लिस्ट किए हैं, आपने अपनी कोई भी सिक्योरिटी अगर स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट की है, तो आपके ऊपर कौन कौन सी ऑब्लिगेशन आने वाली है, ये उन्होंने कहा है कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। इसके अंदर इस प्रकार की ऑब्लिगेशन है, यू हैव टू कंपल्सरी अपॉइंट अ सीएस, हर एक लिस्टेड कंपनी के अंदर एक कंप्लायंस ऑफिसर हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी शुड बी अपॉइंटेड, इजी। फिर यहां पे लिखा गया है यू नीड टू हैव अ शेयर ट्रांसफर एजेंट, कि आपके यहाँ पे अनिवार्य रूप से एक शेयर ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए, और आपने पढ़ा होगा अगर 1 लाख से एक्सीड कर देते हैं आप, तो आपके यहाँ एक रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट हो जाना चाहिए, तो अदरवाइज तो 1 लाख से कम है तो आप इनहाउस भी चला सकते हो, ऐसा। तो एक रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए अगर आपके नंबर ऑफ सिक्योरिटी होल्डर 1 लाख से एक्सीड कर जाते हैं, तो ये सब यहाँ पे दिया है। इसके बाद में आपको ईयरली बेस पे स्टॉक एक्सचेंज को फीस दे देनी है, ये बात यहाँ पे लिखी है। इस प्रकार की छोटी छोटी बातें लिखी है अंदर कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। दो मिनट और रुकना, सब समझ में आएगा। कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कॉमन का मतलब है कि भले ही आपकी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए स्टॉक एक्सचेंज पे, भले ही आपकी कंपनी ने डेट सिक्योरिटी लिस्ट की है, कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्ट की है, आपकी कंपनी ने कोई भी ऐसी सिक्योरिटी लिस्ट की है जो उन्होंने इशू की थी, तो वहां पर उनके ऊपर चैप्टर थ्री एप्लीकेबल होता है, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। फिर आता है चैप्टर फोर, अब अच्छे समझना, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब होता है हमारा इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर या फिर कोई कन्वर्टेबल सिक्योरिटी जो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने वाली है। तो जिस भी कंपनी ने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करे हैं उनके ऊपर अप्लाई होता है चैप्टर नंबर फोर। ये एलओडीआर का सबसे बड़ा चैप्टर है, बेयर एक्ट के हिसाब से सबसे बड़ा चैप्टर। आपने पढ़ा होगा ना थोड़ा सा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट, रेगुलेशन नंबर 17 वगैरह पूरे, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी, विजिल मैकेनिज्म, ये सब किसके ऊपर आता है? अ कंपनी विच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी का मतलब होता है इक्विटी शेयर। तो अगर एक कंपनी ने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए हैं तो उसके ऊपर चैप्टर फोर अप्लाई होता है, पूरा का पूरा बहुत बड़ा चैप्टर है। फिर अगला देखना, चैप्टर फाइव, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमर प्रेफरेंस शेयर्स और बोथ। किसी कंपनी ने अगर, किसी लिस्टेड एंटिटी ने अगर अपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी या फिर नॉन कन्वर्टेबल रिडीमर प्रेफरेंस शेयर्स लिस्ट किए, तो उनके ऊपर चैप्टर फाइव। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि एलओडीआर कैसा बना है। एलओडीआर कुछ इस तरह से बनाया कि सबसे पहले प्रिलिमिनरी हो गया, फिर प्रिंसिपल्स कि सारे डिस्क्लोजर का लॉजिक क्या होता है, फिर तीसरा आ गया कॉमन ऑब्लिगेशन कि भैया आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कराई है, ये वाले चैप्टर के जो रेगुलेशन है वो तो आप पे आएंगे से। फिर अगले कुछ चैप्टर से कि डिपेंडिंग ऑन विच सिक्योरिटी हैव यू लिस्टेड, अगर आपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट कराए हैं तो चैप्टर फोर है आपका, अगर आपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स या बोथ ये लिस्ट कराए तो आपका चैप्टर फाइव है। अगर आपने ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स, आपने अपने इक्विटी शेयर भी लिस्ट कराए और नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी भी लिस्ट कराए, दोनों लिस्ट कराए, हाँ, तो आपके ऊपर चैप्टर सिक्स अप्लाई होगा। अगर आपने सिर्फ इक्विटी शेयर लिस्ट कराए तो चैप्टर फोर, सिर्फ आपने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी लिस्ट कराए तो चैप्टर फाइव, दोनों लिस्ट कराए तो चैप्टर सिक्स। नेक्स्ट, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स आईडीआर, अगर किसी एंटिटी ने अपने आईडीआर की लिस्टिंग कराई है तो उसके ऊपर चैप्टर नंबर सेवन। अगर किसी लिस्टेड एंटिटी, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, ये भी आप प्रोफेशनल डिटेल में पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव में आपने थोड़ा बहुत मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी सिक्योरिटाइजेशन हल्का सा पढ़ा होगा, अगर आपको याद आ रहा है तो याद दिलाता हूं, जहां पर एक बैंक लोगों का जो मॉर्गेज होता है उसको रख के और आगे उसको मॉर्गेज के रूप में रख के आगे बॉन्ड्स इशू कर देता है, सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट। अगर पढ़ाया तो अच्छी बात है, नहीं तो प्रोफेशनल में पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, इट इज ओके। ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटाइज दैट इंस्ट्रूमेंट, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटी रिसीट, ये एक और इंस्ट्रूमेंट है। ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स म्यूचुअल फंड यूनिट्स, यहां तक चैप्टर 9 तक ऑब्लिगेशंस आ रही है। अब आप इसे समझो, ये आपको याद नहीं करना है, एग्जाम में कभी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आएगा नहीं, बट ये समझो कि एलओडीआर बना कैसा है। एलओडीआर कुछ इस प्रकार से बनाया, सबसे पहले प्रिलिमिनरी दे दिया,
प्रिंसिपल्स दे दिए कि भाई ऑब्लिगेशन का लॉजिक क्या होता है। फिर एक चैप्टर लाया चैप्टर नंबर 3 कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी कि भैया आपने कोई भी सिक्योरिटी इशू की है ये वाला चैप्टर तो आपके ऊपर अप्लाई होने वाला है, दैट इज कॉमन ऑब्लिगेशन। फिर आया अगर आपने इक्विटी शेयर इशू किए तो क्या ऑब्लिगेशन है, आपने नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी इशू की तो क्या ऑब्लिगेशन है, ये दोनों इशू की तो क्या ऑब्लिगेशन है, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट इशू किया तो क्या म्यूचुअल फंड की यूनिट है, सिक्योरिटी रिसीट है, तो हर एक टाइप के सिक्योरिटी के लिए अलग अलग ऑब्लिगेशन रखी गई है। दिस इज हाउ एलओडीआर हैज बीन फ्रेम्ड। आर वी अंडरस्टैंडिंग, बात समझ में आ रही है। और सबसे डिटेल रखा गया है उन्होंने चैप्टर 4। तो अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कराती है तो उस पे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, लेकिन अगर कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करा रही, इक्विटी शेयर के अलावा दूसरी चीजों को लिस्ट करा रही है, कोई कंपनी इक्विटी शेयर्स को लिस्ट नहीं करा रही है, इक्विटी शेयर के अलावा किसी और चीज को लिस्ट करा रही है, तो उसके ऊपर ऑब्लिगेशन काफी कम रखी गई है। मतलब इफ एट ऑल अ कंपनी इज गेटिंग देयर नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी लिस्टेड, तो यू विल सी द रिमेनिंग चैप्टर्स आर वेरी स्मॉल, उसमें इतना नहीं है, क्योंकि ज्यादा कंप्लायंस किस पे रखना है, जिसने लिस्ट कराया अपने इक्विटी शेयर। आप एज एन इन्वेस्टर भी सोचो तो मेजोरिटी लोग इंटरेस्टेड ही किसमें, इक्विटी शेयर में, बाकी सिक्योरिटीज लिस्ट करने का तो कोई फायदा होता नहीं है। अरे डिबेंचर लिस्ट करा दी किसने, कौन इंटरेस्टेड है डिबेंचर में, उसके प्राइस में फ्लक्चुएशन तो होता ही नहीं है ना। सो सबसे ज्यादा जो मलाई कहते हैं, सबसे ज्यादा जो डिटेल प्रोविजन कॉम्प्लेक्स प्रोविजन है वो रहते हैं चैप्टर 4 के। और वापस एग्जीक्यूटिव में जिनका पूरा फोकस रहता है वो भी रहता है चैप्टर 4 के ऊपर। तो एग्जीक्यूटिव के जो हमारे मॉड्यूल बोलते इसमें सबसे ज्यादा चीज जो दे रखी है वो यही दो चैप्टर दे रखे हैं, कॉमन ऑब्लिगेशन थोड़ा सा और उसके बाद में पूरा चैप्टर रिवॉल्व अराउंड करता है ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया। आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा कि एलओडीआर किस किस पे एप्लीकेबल होता है, तो वहां पे आप यही सब पढ़ते हैं फिर कि एलओडीआर किस पे एप्लीकेबल होता है, लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स आईडीआर, लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स सिक्योरिटाइज्ड इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट, म्यूचुअल फंड, तो वो यहीं से तो आया है। ऐसा एक टॉपिक आपने पढ़ा होगा ये एप्लीकेबिलिटी के एलओडीआर किस किस पे एप्लीकेबल होता है। देखो यहाँ पे लाए कहाँ से ये लोग, एनी लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड देयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, इंडियन डिपॉजिट रिसीट, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट, यूनिट्स इश्यूड बाय म्यूचुअल फंड, एनी अदर सिक्योरिटीज, तो ये वहीं से आया है। हर एक चैप्टर का जो नाम है वो उन्होंने ले लिया है यहाँ पे। तो एप्लीकेबिलिटी के अंदर तो आपको कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ता है, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज इश्यूड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट, सिक्योरिटी रिसीट, म्यूचुअल फंड की यूनिट्स एंड सच अदर इंस्ट्रूमेंट्स। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया अबाउट इट। अब रुको, अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पर आया है रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट। अब ये एलओडीआर का मैंने ओपन कर रखा है, जो लेटेस्ट मॉड्यूल है उसमें भी अमेंडमेंट आया नहीं है, बट एक ऐसा है जो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे एलओडीआर स्टार्ट किया, चलो आपको क्विक रिकैप देता हूं, 100% फोकस ऑन द स्क्रीन। चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी दिख रहा था, उसमें कितने रेगुलेशन है। हाँ, जब भी हम कोई रेगुलेशन पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल टेक ओवर कोड बोल दो, आईसीडीआर बोल दो, इन सब के अंदर ये सब को रेगुलेशन नंबर बोलते हैं, रेगुलेशन नंबर 1, रेगुलेशन नंबर 2। जैसे एक्ट में आप लोग सेक्शंस बोलते हैं, वैसे यहां पे इसको रेगुलेशन नंबर बोलते हैं। तो चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी है, उसका पहला रेगुलेशन हो गया शॉर्ट टाइटल एक्शन एंड कमेंसमेंट, दूसरा रेगुलेशन हो गया डेफिनेशंस, तीसरा रेगुलेशन हो गया एप्लीकेबिलिटी, तीसरा रेगुलेशन हो गया एप्लीकेबिलिटी कि किस किस के ऊपर ये एप्लीकेबल रहता है एलओडीआर। फिर आ गया चैप्टर नंबर 2, प्रिंसिपल्स गवर्निंग द डिस्क्लोजर, आखिर क्या लॉजिक होता है, रूल क्यों बनाया है ऐसा, तो उसको प्रिंसिपल्स करके एक रेगुलेशन में 4 है, बड़ा सारा है, जो आपके एग्जीक्यूटिव के मॉड्यूल में नहीं ले रखा है उन्होंने, प्रिंसिपल्स गवर्निंग। यहां से चैप्टर 3 हमारा चालू होता है काम का, चैप्टर 3 कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, कि एक लिस्टेड एंटिटी ने भले कोई भी सिक्योरिटी इशू की हो उसके ऊपर कौन कौन सी कॉमन ऑब्लिगेशन आती है। मतलब भले आपने सिक्योरिटाइज डेट इंस्ट्रूमेंट है, म्यूचुअल फंड की यूनिट से, आपको चैप्टर 3 तो सबको ही फॉलो करना है अनिवार्य रूप से। चैप्टर नंबर 3 कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी, ये रेगुलेशन नंबर 5 से चालू होता है, 5, 6, 7, 8, और ये चलता रहता है आपका अप टिल 14, 14 में फीस हो गया। तो 5 to 14 था आपका चैप्टर 3 विच वॉज टॉकिंग अबाउट कॉमन ऑब्लिगेशन, सही है। अब यहां पर ध्यान दो, चैप्टर नंबर 4 ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, स्पेसिफाइड सिक्योरिटी जिन्होंने लिस्ट कर रखी है उसके लिए आ गया चैप्टर नंबर 4। अब अच्छे समझो, चैप्टर 4 आ गया यहां पे, चैप्टर 4 15 से स्टार्ट हो रहा है और कहां तक जाता है, सर रुक ही नहीं रहा है। सर रुको उसको, अरे रुको भाई,
चैप्टर फोर, चैप्टर फोर, चैप्टर सर रेगुलेशन खत्म हो जाएगा सर, रुको देखते हैं। चैप्टर नंबर 5, तो ऐसा है कि मुझे तो रेगुलेशन नंबर याद है ना, तो ऊपर नहीं जाएगा। 48 पे खत्म होता है आपका चैप्टर नंबर 4, 15 के आसपास स्टार्ट हुआ था, 48 तक जा रहा है आपका चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3 वाज कॉमन ऑब्लिगेशन विच वाज अराउंड 4 to 14। रेगुलेशन नंबर 4 से लेकर रेगुलेशन नंबर 14 था कॉमन ऑब्लिगेशन कि हाँ जो सबके ऊपर है। रेगुलेशन नंबर 15 से लेकर 48 तक इतना बड़ा रेगुलेशन आता है फॉर एनी एंटिटी विच इज लिस्टेड देयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, मतलब इक्विटी शेयर। अब उसके बाद में शुरू होता है चैप्टर नंबर 5। अब मुझे यहां पे क्यों लाया, यहां पर चेंज है, यहां पे देखो हेडिंग के अंदर ही चेंज हो चुका है, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी विच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी विच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, उन्होंने कैसा कर दिया है आपके मॉड्यूल पे आता हूं, ये मॉड्यूल में देखो इन्होंने जैसे लिख रखा था ना, चेंज समझना अच्छे से, यहां पे इन्होंने क्या लिख रखा है चैप्टर नंबर 5 के अंदर, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, उन्होंने इस सब को हटा के क्या कर दिया, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, तो नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये सब हटा के बोल दिया ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी। बात समझ में आ रही है क्या? This has been a recent change. किसको उन्होंने क्या किया recently? उन्होंने chapter के नाम के अंदर ही change कर दिया है. The name of the chapter which was earlier obligation of listed entity which is listed its non-convertible security or non-convertible redeemable preference shares, उसको हटा के कर दिया obligation of listed entity which is listed its non-convertible security. इसका impact कहाँ पर आएगा? इसका impact आएगा यहाँ पर. इसका impact आएगा यहाँ पर भी. ये यहाँ पर जैसे दिख रहा है आपको non-convertible redeemable preference shares, non-convertible security, इन सब की जगह आराम से आ जाएगा बस नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. ठीक है, ये जो मॉड्यूल के अंदर मैं चेंज कर रहा हूं इसका भी सॉफ्ट कॉपी आपके साथ में शेयर कर दूंगा मेरा चेंज किया हुआ. चल रुको, एक और बार वहां जाने की जरूरत पड़ेगी हमको. 10 मिनट के अंदर मैं फास्ट ट्रैक रिवीजन शुरू कर दूंगा, बस कुछ चीजें आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी है वो सब डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद में आ जाएंगे फास्ट ट्रैक तरीके से. चैप्टर 4, चैप्टर 5 पे भी जाने की जरूरत है, चैप्टर 6 पे भी जाने की जरूरत है. ये चैप्टर 5 देखा, ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी. पहले यहां पे लिखा होता था नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल अदर डेट सिक्योरिटीज, इस प्रकार से. अब इसके बाद वाला चैप्टर भी देखना, ये ठीक है चल रहा है, बहुत बड़ा नहीं है, ये रीजनेबल साइज का है. चलते रहो सर, हमें बहुत बड़ा लग रहा है ये, नहीं इतना बड़ा नहीं है. नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ऑब्लिगेशंस ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच हैज लिस्टेड इट्स स्पेसिफाइड सिक्योरिटी एंड ईदर नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, नॉन कन्वर्टेबल रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स और बोथ. तो चैप्टर 6 का नाम वो का वो है, चेंज सिर्फ कहां पर आया, चैप्टर नंबर 5 के नाम के अंदर. 4 का नाम भी ठीक है, थोड़ा चेंज हुआ है, बट दैट इज ओके. चैप्टर नंबर 5 के अंदर सब्सटेंशियल चेंज हुआ है जो हमको पता होना चाहिए. बस अब हम लोग आते हैं हमारे काम की चीज पे फटाफट से, and that is this module. So ये एक change हुआ है यहाँ पर, obligation of listed entity which is listed its non-convertible security, ये उन्होंने यहाँ पर change कर दिया. Okay. उसके अलावा obligation of listed entity which is listed its specified security, chapter number 4, उसके नाम में एक छोटा सा change है. Chapter 4. Chapter 4 के नाम में देखो. Obligations of listed entity which is listed with specified security and non-convertible debt security. तो किसी ने अगर specified security को list किया है और non-convertible debt security को list किया है तो उसको भी cover कर दिया उन्होंने chapter 4 में. And non-convertible debt security. सर सुनो ना सर, नहीं ये तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है. नहीं हो रहा है, अब लास्ट में समअप करता हूँ कि आपको किन चीजों का ध्यान रखना है और हम लोग आगे बढ़ते हैं. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में उन्होंने क्या किया है आपको कहां तक याद होना चाहिए,
आपको याद यहीं तक होना चाहिए बस, इसके आगे का आपको याद नहीं है तो चलेगा। कहां तक याद होना चाहिए? सबसे पहला चैप्टर इज प्रिलिमिनरी, उसमें तीन आते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, डेफिनेशन एंड एप्लीकेबिलिटी। रेगुलेशन नंबर फोर, चैप्टर नंबर टू इज प्रिंसिपल्स गवर्निंग द डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसके बाद में चैप्टर नंबर थ्री आ जाता है कॉमन ऑब्लिगेशंस। कॉमन ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं कि आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट की है, ये सारी ऑब्लिगेशन तो आपके आने ही वाली है। चैप्टर नंबर फोर आता है ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटी। वैसे स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज है बट इसके कुछ रेगुलेशन रखे गए हैं नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी के लिए भी। तो उसका नाम हो गया है ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड एज स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज एंड नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटी, ये यहां पर आ गया। और लास्ट उसके अंदर में जो ध्यान रखना है, चैप्टर नंबर फाइव ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड एज नॉन कन्वर्टेबल सिक्योरिटी, इस प्रकार से। तो यहां तक का अगर आपको ओवरव्यू भी ध्यान है तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। वापस आता हूं स्टेप वन पीछे। आपको क्या पता होना चाहिए? आपको पता होना चाहिए कि एलओडीआर किस प्रकार से बनाया। एलओडीआर कुछ इस तरह से बनाया कि उन्होंने सबसे पहले तो बना दिया प्रिलिमिनरी वगैरह, फिर उन्होंने एक एक चैप्टर बनाया है कि एक कंपनी ने, एक लिस्टेड एंटिटी ने किस प्रकार की सिक्योरिटी लिस्ट की है, उस पर डिपेंड करता है कि उनपे क्या क्या ऑब्लिगेशन आने वाले हैं, नॉट ऑन द साइज ऑफ द कंपनी। कंपनी बहुत बड़ी साइज की है पर उसने लिस्ट किए डेट सिक्योरिटीज, उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, नेग्लिजिबल ऑब्लिगेशन है। कंपनी बड़ी छोटी साइज की है लेकिन उसने इक्विटी शेयर लिस्ट कराए, उसके ऊपर बहुत सारी ऑब्लिगेशन है। तो एलओडीआर इस हिसाब से ऑब्लिगेशन रखता है, बड़े छोटे के हिसाब से नहीं, लेकिन आपने कौन सी सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट कराई है। बिकॉज सबसे ज्यादा क्लोज चेक हमको रखना पड़ेगा अगर आपने लिस्ट कराई है इक्विटी शेयर, सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी तो वही है ना। अरे आप आजकल न्यूज में जब भी बात करते हो कंपनीज के सिर्फ इक्विटी शेयर की बात होती है, डिबेंचर में तो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, क्योंकि डिबेंचर में अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट भी बना रहा है तो उसका प्राइस तो चेंज होता ही नहीं है ना, प्राइस तो सेम ही रहता है डिबेंचर का। डिबेंचर को क्या फर्क पड़ता है कंपनी ज्यादा प्रॉफिट बनाए कम प्रॉफिट बनाए। तो डिबेंचर्स वगैरह की नॉन कन्वर्टेबल कोई भी सिक्योरिटी है ना, उसकी प्राइस इतनी चेंज होती ही नहीं है। नॉर्मली तो कंपनीज उसको लिस्ट भी नहीं कराती है, कुछ कंपनीज को मस्ती होती है तो वो लिस्ट करा देती है, बट उसमें प्राइस वॉलेटिलिटी होती नहीं है। तो मलाई जिसको कहते हैं, इंटरेस्ट जिसको कहते हैं, वो हमेशा रहता है इक्विटी शेयर। दैट इज चैप्टर नंबर फोर। Are we getting a fair idea about LODR? और अब हम लोग एग्जाम लुकआउट से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई विल टेक यू डायरेक्टली, सबसे पहले आपको कॉमन ऑब्लिगेशन फटाफट से कराता हूं और फिर हमारा जो मेन टारगेट है वन टाइम कंप्लायंस, क्वार्टरली कंप्लायंस, हाफली कंप्लायंस पे आ जाएंगे। कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ लिस्टेड एंटिटी। नाउ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिमाग में चैप्टर का क्या पार्ट चल रहा है। चैप्टर हमारा जो एलओडीआर है उसका चैप्टर वन प्रिलिमिनरी है, चैप्टर टू प्रिंसिपल है, चैप्टर थ्री आता है कॉमन ऑब्लिगेशन, ठीक है। एंड इट रन फ्रॉम रेगुलेशन नंबर 4 to 14। खैर एग्जीक्यूटिव में इतना है नहीं, एग्जीक्यूटिव में उन्होंने बहुत सिंपल रख रखा है। जनरल ऑब्लिगेशंस, जनरल ऑब्लिगेशंस के अंदर पहला आ गया कंप्लायंस ऑफिसर एंड हिज हर ऑब्लिगेशन। हर एक लिस्टेड एंटिटी को अनिवार्य रूप से एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना होगा। दो चीजें यूज की जाती है, कभी कभी लिखा जाता है क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, कहीं भी लिखा जाता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस। जैसे कि यहां पे लिखा जाता है दैट हर एक लिस्टेड एंटिटी को एक क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज कंप्लायंस ऑफिसर, मतलब एक कंपनी सेक्रेटरी जो कि क्वालिफाइड है। क्वालिफाइड का मतलब यही कि उसने सारे एग्जाम क्लियर किए, अपने ट्रेनिंग कर लिया, मेंबरशिप ले ली है, वो हो गया क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी। कुछ जगह पे लिखा होता है, आगे पढ़ेंगे, कि यू हैव टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, मतलब उसने एग्जाम क्लियर किए हैं, ट्रेनिंग किया है, मेंबरशिप लिया, उसके बाद में सीओपी भी लिया। तो कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब उसको एक और एलिजिबिलिटी, उसके पास सीओपी भी होना चाहिए, ठीक है। मेंबरशिप अलग होता है, सीओपी अलग होता है। आप सारे एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर ट्रेनिंग करते हैं, फिर सबसे पहले आप मेंबरशिप तो लेते ही हैं। मेंबरशिप हर सीएस लेता है, जितने भी सीएस है मेंबरशिप, जॉब करनी है, प्रैक्टिस करनी है, मेंबरशिप लेना है। फिर अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप साथ में एक सीओपी लेते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। क्लियर है हम लोग यहाँ पे? तो यहाँ पे क्या लिखा है, यू नीड टू हैव अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, मतलब भैया सीओपी वाला नहीं, एक एम्प्लॉयमेंट वाला सीएस चाहिए। तो हर एक लिस्टेड एंटिटी को एक कंपनी सेक्रेटरी को अपॉइंट करना पड़ेगा एज कंप्लायंस ऑफिसर, कॉमन ऑब्लिगेशन है। भले ही आपने कोई भी सिक्योरिटी इशू किया, एक कंपनी ने एक डेट सिक्योरिटी भी इशू कर दी, तो कंपनी सेक्रेटरी तो उसको भी अपॉइंट करना पड़ेगा, दिस इज कॉमन ऑब्लिगेशन। आप गेटिंग अ फेयर आइडिया? एग्जाम में कोई भी केसरी क्वेश्चन आएगा, हैंडल कर लेंगे। ये सर सिर्फ ऐसी कंपनी जिसने इक्विटी शेयर लिस्ट किए हैं उसी को कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना है, नहीं, ये प्रोविजन कहां पे पढ़ रहे हैं हम, कॉमन ऑब्लिगेशन में हर एक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल रहेगा। तो कोई भी कंपनी जो लिस्ट हुई किसी भी तरह से, दे हैव टू अपॉइंट अ कंप्लायंस ऑफिसर फर्स्ट, इजी। दूसरा, शेयर ट्रांसफर एजेंट, कि आपके पास में एक शेयर ट्रांसफर एजेंट होना चाहिए, इजी। यू नीड टू एंश्योर दैट यू कोऑपरेट विद इंटरमीडियरी रजिस्टर्ड विद सेबी, सेक्शन नंबर 12 ऑफ सेबी एक्ट, याद आ रहा है?
कोई भी भारत में अगर इंटरमीडिएट की तरह काम करना चाहता है, आप ब्रोकर की तरह काम करना चाहते हैं, आप रजिस्ट्रार की तरह काम करना, कोई भी इंटरमीडिएट की तरह काम करना चाहते हैं, यू हैव टू गो टू सेबी, गेट योरसेल्फ रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 ऑफ सेबी एक्ट। तो जितने लोग भी इंटरमीडिएट्स हैं, तो हर एक लिस्टेड एंटिटी को उन सबके साथ में कोऑपरेट करना है। आपके साथ कोई भी ब्रोकर आ जाता है, कोई भी व्यक्ति डिस्कशन कराए, यू हैव टू कोऑपरेट विद देम, यू हैव टू कोऑपरेट विद द इंटरमीडिएट्स रजिस्टर्ड विद सेबी। ओके, ये भी कॉमन ऑब्लिगेशन है। You have to preserve the documents. आपको documents preserve करके रखना है। Securities law में कहा जाता है कि आपको अपने documents की दो category बनानी है। Documents which have to be preserved permanently and documents which have to be preserved for a period of 8 years. जैसे दो category बनती है। कुछ documents है जो आपको 8 साल तक ही preserve करके रखने हैं, उनको आप 8 साल तक preserve करेंगे। कुछ documents है जो आपको permanently preserve करके रखने हैं, equity shareholder की list, वो कभी बंदी नहीं करनी, वो permanently preserve करनी है। तो आपको दो list बनानी है और उस हिसाब से documents को preserve करने। Preservation of documents. Documents which have to be preserved permanently and documents which have to be preserved for at least 8 years. तो आपको अपनी preservation of documents में दो टाइप की लिस्ट बनानी है। इन documents को permanently preserve करेंगे, इन documents को 8 years के लिए preserve करेंगे, और इस तरह से आपको preserve करके रखना है। Next, filing of information. जो भी information stock exchange को देनी है वो आप file करेंगे, और यहाँ पे specifically लिखा है कि सारी information file होगी electronically. जैसे कि पहले आरओसी को आप फाइलिंग फॉर्म फाइलिंग करते थे, स्पीड पोस्ट वगैरह से, सब बंद है। सेबी को जो भी इंफॉर्मेशन देनी है सब दी जाएगी इलेक्ट्रॉनिकली उनकी वेबसाइट पे। ओके, ऑन द इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म। ओके, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट, आप कोई भी ऐसा 230 के अरेंजमेंट आता है ना कंपनीज एक्ट में, अमालगमेशन, मर्जर, कोई भी अरेंजमेंट एंटर कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आपको सेबी का, स्टॉक एक्सचेंज का परमिशन लेना होगा। आपको ध्यान रखना होगा कोई भी स्कीम ऑफ अरेंजमेंट पास कर रहे हैं तो आपको सिक्योरिटीज लॉ के हिसाब से करना है, परमिशन लेके करना है। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इंटरेस्ट और रिडम्पशन रिपेमेंट, आप कोई भी एक लिस्टेड एंटिटी डिविडेंड दे रही है, बोनस दे रही है, कुछ भी दे रही है, ये वो देगी इलेक्ट्रॉनिक मोड में, बस इलेक्ट्रॉनिक मोड में दोगे। आप ये नहीं कह सकते भैया कि 10-10 रुपए का डिविडेंड है, आ जाओ, नहीं कर सकता पैसा, आपको इलेक्ट्रॉनिक मोड में देना है। भले 2 रुपए का डिविडेंड होगा, आप उनके बैंक अकाउंट में ही देंगे। ठीक है, grievance redressal mechanism, हर एक listed entity, भले आपने छोटी बड़ी security list की है, you need to have a grievance redressal mechanism। अपनी website है, अगर आपकी website है तो वहां पे आपको लिखना भी पड़ेगा उस व्यक्ति का नाम, कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी इशू है तो वहां पर आके रिपोर्ट कर सकता है, और स्कोर्स वगैरह के बारे में तो आपको पता ही है। बाकी हर एक कंपनी का अपना भी grievance redressal mechanism होना चाहिए। एंड लास्ट भैया, बाकी सब तो ठीक है, एट दी एंड ऑफ द डे तो कंपनी है, पैसा चाहिए, तो जो भी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज कंपनी हो, गवर्नमेंट का नहीं है, कंपनी है, हमने पढ़ा है SCRA, स्टॉक एक्सचेंज प्राइवेट कंपनीज है, राइट? तो ये जो कंपनी, प्राइवेट का मतलब मेरा कहता है कि प्राइवेटली हेल्ड, नॉट पब्लिक प्राइवेट वाला प्राइवेट। तो स्टॉक एक्सचेंज भी ऐसी कंपनीज को प्रॉफिट कमाना है, तो जितनी भी कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है, स्टॉक एक्सचेंज उन सबसे लेगा टाइम टू टाइम फीस, जनरली एनुअल फीस ली जाती है, तो ये फीस भी आप देंगे, ये सब चीजें। एक बार ऐसे ये सारे हैं कॉमन ऑब्लिगेशंस। आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कराई है, आपको ये सब कॉमन ऑब्लिगेशन फॉलो करना ही है। सबसे इजी है इनमें अगर याद रखने की बात करते हैं हम लोग, कंप्लायंस ऑफिसर इंपॉर्टेंट बोल दो, शेयर ट्रांसफर एजेंट, प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, फीस टू बी पेड एंड ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन आता नहीं है, बट अगर कभी आगे बताओ कॉमन ऑब्लिगेशन कौन कौन से हैं, तो कम से कम ये 5 कॉमन ऑब्लिगेशन तो आपको बताने ही होते हैं, कि ठीक है सर कि कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, ईयर एंड पे हम उनकी फीस देंगे, डिविडेंड वगैरह ऑनलाइन देंगे, सारी फाइलिंग भी ऑनलाइन करेंगे, इस प्रकार के सारे पॉइंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स हो गए। एंड दीज आर द कॉमन ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल ऑन अ लिस्टेड एंटिटी, कि अगर आपने कुछ भी, अगर आपने कोई भी सिक्योरिटी लिस्ट कराई है, ये सारे कॉमन ऑब्लिगेशन तो ऊपर आपके ऊपर आने ही हैं। आर वी गुड? अच्छा, नाउ आई एम हिटिंग टुवर्ड्स द मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ द एग्जाम। अभी तक हमने जो पढ़ा वो बैकग्राउंड समझे बिना, अगर मैं चाहता तो यहां से चैप्टर स्टार्ट करता, बट फिर वो इतना अच्छे समझ में नहीं आता, पूरा याद रखना पड़ता, तो थोड़ा अच्छे से फोकस करते हैं। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ, कॉमन ऑब्लिगेशन ऑफ कंप्लायंस अंडर सेबी एलओडीआर। अब सुनो, मॉड्यूल में एग्जैक्टली बताया नहीं है, बट ये कहां की बात कर रहे हैं, ये हम लोग एक्चुअली पढ़ रहे हैं अब चैप्टर फोर पढ़ रहे हैं। मतलब ये जो कॉमन ऑब्लिगेशन पढ़ा रहा हूं, ये जो कंप्लायंस पढ़ा रहा हूं, वन टाइम, हाफ ईयरली, ईयरली, क्वार्टरली, ये सब किसके ऊपर है, कंपनीज विच हैव लिस्टेड देयर स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। मतलब जो कंपनीज ने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कराया है, उनके लिए ये सारी ऑब्लिगेशन है जो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी गेटिंग अ फेयर आइडिया, आप लोगों ने अगर पास्ट पेपर देखा होगा तो आपको आइडिया होगा वैसे भी, कि ये है वो एरिया जो एग्जामिनर बहुत पूछता है। इस चैप्टर के अगर मैं सबसे हॉट टॉपिक्स निकालूंगा तो एक टॉपिक ये आएगा पीरियोडिक कंप्लायंस का, एक टॉपिक आ जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कुछ नॉर्म्स का, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह का, और तीसरा आ जाएगा ऑडिट कमेटी वगैरह उसके अंदर। मतलब एग्जामिनर दीवाना है इसके ऊपर, बार बार क्वेश्चन पूछता है, तो
तो अब तक जो पढ़ा वो बहुत जरूरी था समझने के लिए, अब जो हम पढ़ रहे हैं वो समझने के लिए भी जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी जरूरी है। फोकस 200% कर लो। अब हम पढ़ रहे हैं एक कंपनी जिसने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए होते हैं, कंपनी जिसने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए होते हैं उस कंपनी के ऊपर क्या क्या ऑब्लिगेशंस आती है। कुछ आती है वन टाइम कंप्लायंसेस, मतलब जैसे ही आप लिस्ट हुए आपके ऊपर ये कंपलसरी कंप्लायंसेस आ जाएंगे कि आपको ये सारी चीजें करनी है। कुछ आएंगी क्वार्टरली कंप्लायंस कि लिस्टेड कंपनी को हर क्वार्टर के एंड में ये चीज को फॉलो करना ही करना है। फिर कुछ आएंगी हाफ ईयरली कंप्लायंस कि हर लिस्टेड एंटिटी को हर हाफ ईयर के एंड में ये चीजें करनी है। कुछ आएंगी ईयरली कंप्लायंसेस कि हर लिस्टेड एंटिटी को ईयर के एंड में कुछ चीजें करनी है। कुछ आएंगी इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस, इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस एंड में देखते हैं, ये इजी पीजी है। इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस का मतलब ये है कि अगर ऐसा कुछ इवेंट हो गया तो आपको कंप्लाई करना होगा, पीरियोडिक नहीं है, टाइम टू टाइम नहीं करना है, बट अगर आप मान लीजिए बोर्ड मीटिंग कर रहे हो तो आपको स्टॉक एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना होगा ना, तो ये पीरियोडिक नहीं है, ये इवेंट बेस्ड हुआ कि ऐसा कुछ इवेंट होगा तो आपको कंप्लायंस करना पड़ेगा। पहला फोकस है हमारा वन टाइम, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली। चलो वन टाइम कंप्लायंस, A listed entity shall appoint a company secretary as a compliance officer. Common obligation में है। जैसे ही आप listed entity बनते हो, आपको सबसे पहला compliance officer appoint कर देना है। ये कैसा point है? जो कोई भी CS का student भूलता ही नहीं है। क्यों? रोजी की बात है। ठीक है ना? इधर आओ। तो जैसे ही आप listed होते हैं, आपको appoint करना है एक compliance officer। दूसरा, आपको appoint करना है एक share transfer agent। अब देखो उन्होंने क्या लिखा है, carefully पढ़ते हैं। A listed entity shall appoint a share transfer agent और manage the share transfer in house। या तो आप एक agent appoint करो या in house manage करो। However, in the case of an in-house share transfer facility, when the total number of holder of securities exceeds 1 lakh, जब तक 1 lakh है तब तक तो आपको जो करना है करो, share transfer agent appoint करना है करो, आपको in-house, आपके 4-5 लोग हैं, कोई भी graduate है, मान लीजिए कोई ऐसा share transfer agent वगैरह नहीं है, graduate है 3-4, आपने कहा तुम manage करो, चलता है। आपको जरूरी नहीं है कि एक registered share transfer agent appoint करें जब तक आपके security holder exceed नहीं करते हैं 1 lakh, तब तक आपको अपॉइंट करना, तो एक शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करो, नहीं तो आपको इनहाउस भी 2-3-4 बीकॉम ग्रेजुएट, 2-3-4 कोई भी आपके स्ट्रीम के ग्रेजुएट, आपको उनके साथ भी मैनेज करना है तो आप करवा सकते हो। लेकिन द मोमेंट इट एक्सीड्स 1 lakh, द लिस्टेड एंटिटी शैल ईदर रजिस्टर विद सेबी एस कैटेगरी 2 शेयर ट्रांसफर एजेंट और अपॉइंट अ रजिस्ट्रार टू एन इशू एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर्ड विद सेबी। तो जिस मोमेंट पे आपके 1 lakh से एक्सीड हो गए तो कंपल्सरीली आपको चाहिए एक रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट। आप चाहिए तो एक रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करो, या आपकी कंपनी में जो लोग हैं उनमें से किसी एक को एक शेयर ट्रांसफर एजेंट की तरह रजिस्टर करवा लो। चैप्टर 19 इंटरमीडिएट्स में आप पढ़ते हैं कि इनकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 वगैरह, ये किस प्रकार से होती है। जनरली एक इंटरमीडिएट होती थी रजिस्ट्रार टू एन इशू, एक इंटरमीडिएट होती थी शेयर ट्रांसफर एजेंट, तो लगा कि इनका काम बहुत सिमिलर होता है, तो उन्होंने एक ही बड़ी इंटरमीडिएट बना दी, रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट। तो एक व्यक्ति अगर सिर्फ रजिस्ट्रार का काम करना चाहता है तो वो रजिस्टर होगा एक टाइप की कैटेगरी में, एक व्यक्ति अगर सिर्फ शेयर ट्रांसफर एजेंट का काम करना चाहता है तो वो रजिस्टर होगा एक पर्टिकुलर कैटेगरी में, और एक व्यक्ति अगर दोनों काम करना चाहता है तो उसको दूसरी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना होगा। तो जब आप रजिस्ट्रेशन लेने जाते हैं चैप्टर 19 में आप पढ़ेंगे, तो आपको कौन सी कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन लेना है ये डिपेंड करता है कि आप एक काम संभालने की इच्छा रखते हो या आप दोनों काम संभालने की इच्छा रखते हो, इसके हिसाब से आपका रजिस्ट्रेशन होता है। यहाँ पर इन्होंने इतना सा कहा है कि जब तक आपके सिक्योरिटी होल्डर्स 1 lakh एक्सीड नहीं करते, इफ यू वांट यू कैन अपॉइंट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और इफ यू वांट यू कैन मैनेज इट इन हाउस, बट द मोमेंट इट एक्सीड्स 1 lakh, योर सिक्योरिटी होल्डर एक्सीड्स 1 lakh, ध्यान रखना क्या वर्ड यूज किया है, सिक्योरिटी होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर मतलब इक्विटी शेयर होल्डर, डिबेंचर सब मिला के सारे सिक्योरिटी होल्डर जो है आपके, अगर ये 1 lakh से एक्सीड कर जाते हैं, देन यू हैव टू, यू नीड टू हैव अ रजिस्टर्ड शेयर ट्रांसफर एजेंट जो सेबी के पास सेक्शन 12 के अंदर रजिस्टर्ड। उसके बाद में ये कर लिया सर हमने, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट कर दिया, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट कर दिया, फिर यू नीड टू हैव अ पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। आपके मॉड्यूल में एंड में एक और टॉपिक दे रखा है कि कितने कितने टाइप की पॉलिसीज होनी चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं, बैठा नाम दिया कि ये 6-7 पॉलिसीज आपकी होनी चाहिए, तो उसी में कह रहे हैं कि आपके पास पॉलिसी होना चाहिए प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इस पॉलिसी में क्या होता है प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट में, वही जो हमने कॉमन ऑब्लिगेशन के अंदर पढ़ा कि आपको दो टाइप के डॉक्यूमेंट्स प्रिजर्व करने, वन विच हैव टू बी मेंटेन्ड परमानेंटली, वन विच हैव टू मेंटेन फॉर पीरियड ऑफ 8 years, तो आपको एक पॉलिसी बनानी है फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये 3 चीजें जैसे ही आप लिस्ट होते हैं तुरंत प्रभाव से आपको करनी है, ऐसा ये कह रहे हैं, क्लियर है? ठीक है, तो जैसे ही आप लिस्ट हुए आपको ये तीनों चीजें तो करनी करनी है। रुक जा, यहां पर आते हैं, जैसे ही आप लिस्ट हुए, एज सून एज यू आर लिस्टेड यू हैव टू इंश्योर देयर इज अ compliance officer, you have to ensure there is a
शेयर ट्रांसफर एजेंट, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना है, यू नीड टू हैव अ पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू एंश्योर यू हैव अ पॉलिसी। तो ये दो लोग होने चाहिए, पॉलिसी होना चाहिए। एक चीज इन्होंने लिखी नहीं है, उसको मैं ऐड कर देता हूं, यू नीड टू एंश्योर सारी कमिटीज भी आपको बनानी है। जैसे ही आप लिस्ट होंगे, आप पे ऑडिट कमिटी, रेम्यूनरेशन, जो जो कमिटीज एप्लीकेबल, सारी कमिटीज भी आपको बनानी है। तो ये एक और चीज एक्स्ट्रा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, कंप्लायंस ऑफिसर को अपॉइंट करना है, शेयर ट्रांसफर एजेंट को अपॉइंट करना है, हमारी पॉलिसी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बनानी है, और कमिटी भी सारी जितनी रिक्वायर्ड है उसका फॉर्म कर देंगे। ये हो गया वन टाइम कंप्लायंस, मतलब जैसे ही आप लिस्ट हुए ये सारी चीजें आपको करनी है, सर आसान है। उसके बाद में आता है क्वार्टरली कंप्लायंस। बेटा जी क्वार्टर क्या होता है, हम सबको पता है, हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ क्वार्टर, थ्री। क्वार्टर मीन्स एनीथिंग डिवाइडेड बाय फोर, एनीथिंग डिवाइडेड बाय फोर इज अ क्वार्टर। इफ यू डिवाइड द एंटायर ईयर ऑफ 12 मंथ्स बाय फोर, सो देन अ क्वार्टर कंप्राइज ऑफ थ्री मंथ्स। कोई परेशानी नहीं है, कैलेंडर क्वार्टर, फाइनेंशियल क्वार्टर सेम बन जाता है, क्योंकि डिवाइड बाय फोर में थ्री मंथ्स आते हैं। तो हम अप्रैल से शुरू करते हैं अगर, तो भी अप्रैल में जून फर्स्ट क्वार्टर, जुलाई अगस्त सेप्टेंबर सेकंड क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर थर्ड क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च फोर्थ क्वार्टर। तो बहुत आसान है। अगर कोई कैलेंडर क्वार्टर कभी बोलता है, वैसे बोलता नहीं है, तो दैट विल बी द फर्स्ट क्वार्टर विल बिकम जनवरी फरवरी मार्च, सेकंड क्वार्टर विल बिकम अप्रैल मई जून। बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। चलो क्वार्टरली कंप्लायंस, हर क्वार्टर एंड में आपको ये करना है, क्या, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट। आपको इन्वेस्टर कंप्लेंट का एक स्टेटमेंट देना है, और ये भी कैसा, जैसे स्टॉक का देते थे हम लोग, कि ओपनिंग में कितना स्टॉक था, इस दिन में कितना स्टॉक आया, एंड में कितना स्टॉक बचा है। इस प्रकार से आपको इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का देना है कि इस क्वार्टर के बिगिनिंग में कितने इन्वेस्टर कंप्लेंट थे, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर कंप्लेंट आए हैं, इस क्वार्टर में कितने इन्वेस्टर कंप्लेन रिड्रेस हो गए, और कितने इन्वेस्टर कंप्लेन पेंडिंग है। ऐसा पूरा आपको स्टेटमेंट देना है इन्वेस्टर कंप्लेंट्स का, ठीक है। फिर आपको देना है क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, दैट वी आर कंप्लाइंग विद ऑल द प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस। सर कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, बस 5 मिनट में वहां पे पहुंच रहे हैं हम, 10 मिनट में। क्वार्टरली कंप्लायंस रिपोर्ट, देन यू टू गिव अ शेयर होल्डिंग पैटर्न, कि आपको अपनी कंपनी का जो भी शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो भी आपको हर क्वार्टर एंड के अंदर देना है। देन यू टू गिव अ स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, कि आपके स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन, कि अगर आपका कोई भी डेविएशन वेरिएशन हुआ है विद रिस्पेक्ट टू मनी विच यू हैव रेस्ट। अगर मान लीजिए आपने कोई पब्लिक इशू किया, राइट इशू किया, और पैसा रेस किया था, वो पैसा आपने जिस चीज के लिए बोल के रेस किया था उसके अलावा थोड़ा भी अगर डेविएट किया है, तो स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन वेरिएशन भी आपको देना है, ठीक है। रुकना, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट, ये भी आपने पढ़ा है आईसीडीआर के अंदर, वापस हम लोग भी संडे के रिवीजन के अंदर पढ़ेंगे कि हर एक कंपनी ने जब पैसा रेस किया तब उसको मॉनिटरिंग एजेंसी को अपॉइंट करके रखना होता है। तो ये मॉनिटरिंग एजेंसी की भी क्वार्टरली रिपोर्ट आती है, वो क्वार्टरली रिपोर्ट की यहाँ पे बात हो रही है कि लिस्टेड एंटिटी को मॉनिटरिंग एजेंसी जहाँ पे अपॉइंट की गई है उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी। फिर आता है फाइनेंशियल रिजल्ट, कि हर लिस्टेड एंटिटी को फाइनेंशियल रिजल्ट्स हर क्वार्टर एंड के अंदर बनाने। रुक जाओ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर, कि आपको न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट देने क्वार्टर एंड में, एकदम इजी पीजी। रुक जाओ, अभी मैं कुछ भी यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा हूँ, पहले मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, मॉड्यूल में क्या दे रखा है, फिर हम लोग बेरैक में देखेंगे कि रीसेंट चेंजेस में कुछ चीजें चेंज किए क्या उन्होंने। सबसे पहले मॉड्यूल में जो दे रखा है वो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये आपका जो लेटेस्ट मॉड्यूल वेबसाइट पे वही है, फोकस स्क्रीन पे। ये अगर पूरा ईयर है, जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सही है। तो पहला जो पॉइंट यहां से लिया था मैंने, दिस वाज जैसे ही आपकी लिस्टिंग हो जाती है तो आपको ये तीनों चीजें करनी है। अब कुछ चीजें जो आपको हर क्वार्टर एंड में करनी है, जो कि इन्होंने ऐसा बताया, क्वार्टर एंड का मतलब हो गया ये सब, सही है। हर क्वार्टर एंड में आपको क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट क्या था याद करो, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, इन्वेस्टर कंप्लेंट स्टेटमेंट, ये हमको क्वार्टर एंड में देना है। दूसरा, से फॉर एग्जाम्पल शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोग कह रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ डेविएशन एंड वेरिएशन, कंप्लायंस रिपोर्ट, कंप्लायंस रिपोर्ट हो गया कि ये हमको देना है। इसके अलावा और कोई पॉइंट याद आ रहा हो तो बोलो। मॉनिटरिंग एजेंसी, मॉनिटरिंग एजेंसी की जो रिपोर्ट है वो भी आपको क्वार्टरली देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको आप लोग भूलना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, दैट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट।
थोड़ा सा अगर आपको इसको इस प्रकार से पढ़ोगे ना कि भाई कंपनी को ये एक्चुअली करना पड़ता है, तब आपको मजा आएगा। पैसे इसको थियोरिटिकली पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा। थियोरिटिकली क्या है, हाँ ठीक है ना, कि क्या है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने, भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जो हम ईयर एंड पे बनाते हैं, पूरे असेट लाइबिलिटी सबको, जो पूरा आपको हर क्वार्टर एंड में बना के देना पड़ेगा। अब आप अगर एक्चुअली शेयर मार्केट फॉलो करते हो तो आप देखोगे कि हर क्वार्टर एंड में थोड़े दिन के अंदर शेयर प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं, कि हर एक कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है क्वार्टरली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है चलो, तो ये सब चीजें मोर लेस हो गई जो हमें क्वार्टरली करनी है। अब आता है सर कुछ चीजें हमें हाफ ईयरली भी करनी है। हाफ ईयरली कौन कौन सी चीजें करनी है, इन्होंने जो मॉड्यूल में दे रखा है दो ही चीजें दे रखी है, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स आपको सारे हाफ ईयरली देने, और स्टेटमेंट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज कैश फ्लो ये आपको हाफ ईयरली देने। ठीक है, तो अगर यहां से मैं आता हूं, हाफ ईयरली मतलब सितंबर एंड और मार्च एंड, राइट? हाफ ईयरली, ये यहां पे इन्होंने दो चीजें बताई हमें, कि एक तो आपको हर हाफ ईयर एंड के अंदर क्या करना है बोलो, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स देने, और दूसरा जो भी आपका स्टेटमेंट कह दो, चेंज बोल दो, स्टेटमेंट ऑफ असेट्स लाइबिलिटीज कैश फ्लो, ये भी आपको देना है हाफ ईयरली। तो इन्होंने ये सारी चीजें आपके मॉड्यूल में इस प्रकार से दे रखी है कि ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी है क्वार्टरली हर क्वार्टर एंड में, और ये कुछ चीजें जो आपको करनी है हाफ ईयरली। बस सर बहुत आसान है, नहीं नहीं रुको, कुछ चीजें आपको ईयरली भी करनी है जो आपको एवरी ईयर एंड पे करनी होगी। क्या? कंप्लायंस सर्टिफिकेट, द लिस्टेड एंटिटी शैल सबमिट अ कंप्लायंस सर्टिफिकेट टू द एक्सचेंज ड्यूली साइंड बाय बोथ द कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ द लिस्टेड एंटिटी। कंपनी का जो लिस्टेड एंटिटी का कंप्लायंस ऑफिसर था, मतलब सीएस, क्वालिफाइड सीएस, एंड द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेयर ट्रांसफर एजेंट सर्टिफाइंग दैट द एक्टिविटीज इन रिलेशन टू शेयर ट्रांसफर एजेंट ऑफ द लिस्टेड एंटिटी आर मेंटेन ईदर इन हाउस और बाय रजिस्ट्रार एंड शेयर ट्रांसफर एजेंट रजिस्टर्ड विद सेबी। कंप्लायंस सर्टिफिकेट चाहिए एक, कि इस पूरे साल में जो भी शेयर ट्रांसफर रिलेटेड काम था वो सब लॉ के हिसाब से हो गया है। दो लोगों का, एक तो हमारे कंपनी का कंप्लायंस सर्टिफिकेट, कंपनी के कंप्लायंस ऑफिसर का सर्टिफिकेट चाहिए, और एक जो शेयर ट्रांसफर एजेंट है उनका ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, एक बाहर का व्यक्ति, वो भी एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट देगा। दो लोगों को उस कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट रिलेटेड सारी काम अच्छे से हुए ईयरली बेसिस पर। नेक्स्ट, मैंने बताया था फीस आप लेते हैं कॉमन ऑब्लिगेशन में, देखा है ये फीस आपको देनी होती है जनरली एनुअल बेसिस पे दे देंगे। उसके बाद में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देने हैं, हर क्वार्टर एंड में तो आप दे ही रहे हैं। और हाँ एक और बात, क्वार्टर एंड में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देते हैं वहां पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिया जाता है क्वार्टर एंड का, एंड ईयर टू डेट भी दिया जाता है। ईयर टू डेट क्या होता है, अगर फर्स्ट क्वार्टर एंड हो रहा है दैट इज अप्रैल मई जून, तो इस क्वार्टर का दिया। सेकेंड क्वार्टर एंड हो रहा है जून के बाद जुलाई अगस्त सेप्टेंबर, तो सेकेंड क्वार्टर एंड में आपको जुलाई अगस्त सेप्टेंबर का तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना ही है, और 6 months का मतलब ईयर टू डेट, ईयर जब शुरू हुआ अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 6 months का भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है। थर्ड क्वार्टर आया आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तब आपको ये 3 महीने का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो देना ही है, और 9 months का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना है। तो हर क्वार्टर एंड में आपको क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, और साथ में ईयर टू डेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी देना है। ठीक है, और ईयर एंड होगा तब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट देंगे, एनुअल एनुअल रिपोर्ट आपको देना है, और एनुअल रिपोर्ट में कुछ चेंज है तो वो भी आपको एक्सप्लेन करना है, और एनुअल रिपोर्ट आप किसको देंगे, सिक्योरिटी होल्डर्स को भी देंगे। ठीक है, तो एनुअल रिपोर्ट के बहुत सारे पॉइंट्स हैं, और लास्ट में एक सर्टिफिकेट आता है, लिस्टेड एंटिटी शैल इंश्योर दैट अ शेयर ट्रांसफर एजेंट और द इन हाउस शेयर ट्रांसफर एजेंट केस में भी प्रोड्यूस अ सर्टिफिकेट फ्रॉम अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। अब इनको एक सर्टिफिकेट लेकर आना है प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी से, सर्टिफाइंग दैट ऑल द सर्टिफिकेट्स हैज बीन इशूड विद इन 30 days, के जो भी सर्टिफिकेट्स इशू करने थे, मतलब इस साल में कोई भी हमारा सिक्योरिटी होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर आया कि यार मेरे को ये जो शेयर सर्टिफिकेट ना स्प्लिट करवाना है, मेरा शेयर सर्टिफिकेट खो गया, मुझे नया शेयर सर्टिफिकेट दो, तो ये सारा काम किसका है, शेयर ट्रांसफर एजेंट का। तो उसके ऊपर लॉ ने टाइम पीरियड दे रखा है कि आपको 30 days में, 45 days में, 60 days में नए फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देने चाहिए। तो क्या शेयर ट्रांसफर एजेंट ने साल भर में सारे सर्टिफिकेट्स टाइम पे इशू या री इशू किए हैं या नहीं किए हैं, उसके लिए उसको ईयर एंड में एक प्रैक्टिसिंग सीएसए सर्टिफिकेट लेकर आना है। तो ये भी एनुअल बेसिस पे हो रहा है। सर अगर हम देखते हैं तो पहला पॉइंट है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू शेयर ट्रांसफर एजेंट। लास्ट पॉइंट इज अ सर्टिफिकेट दैट ऑल द सर्टिफिकेट दैट ऑल द शेयर सर्टिफिकेट इन द ईयर हैव बीन इशूड ऑन टाइम, ये भी शेयर ट्रांसफर एजेंट से रिलेटेड है। ओके, उसके बाद में फीस देनी होगी, फिर आपको फाइनेंशियल रिजल्ट देना है, उसके साथ में एनुअल रिपोर्ट देना है। सॉरी, तो बहुत सारा है, नहीं ये बहुत सारा नहीं है, ये जो बता रहा हूं ये आपको करना है सिर्फ साल में एक बार एनुअल बेसिस पे। एनुअल बेसिस पे क्या क्या करना है,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ऑफिस आ जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ में इसका रिपोर्ट भी आपको, एनुअल रिपोर्ट भी देना है आपको, और ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड भी होता है। ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एनुअल रिपोर्ट, ठीक है सर, ये चीज देनी है, दो चीज पे बड़ी बात नहीं है। फिर फीस, जो एनुअल फीस है स्टॉक एक्सचेंज की, वो आपको देना है। और उसके बाद में आते हैं दो पॉइंट रिलेटेड टू शेयर ट्रांसफर एजेंट, एक आएगा कंप्लायंस सर्टिफिकेट। कंप्लायंस सर्टिफिकेट दो लोगों के द्वारा आता है, एक कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर और एक ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ट्रांसफर एजेंट, कि भैया साल भर में इन्होंने अपना सारा काम अच्छे से किया है, दिस इज डन। एक और सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट बाय अ प्रैक्टिसिंग सीएस दैट शेयर ट्रांसफर एजेंट हैज इशूड ऑल द सर्टिफिकेट्स इन द एंटायर ईयर विद इन द गिवन टाइम फ्रेम्स, और ये आपका पूरा कंप्लायंस यहां तक आता है। आपको ये ध्यान रखना है किस तरह चल रहा है, समझ लो अच्छे से, मतलब हर ईयर शुरू हुआ, कोई भी ईयर शुरू हुआ तो हर क्वार्टर एंड में तो ये करना ही है, हाफ ईयरली में जो दिया वो हाफ ईयरली कंप्लायंस करनी है, और ईयर एंड में जो दिया है वो ईयर एंड कंप्लायंसेस भी करने हैं। अब नेक्स्ट ईयर शुरू होगा वापस क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो ये वो कंप्लायंसेस हैं जो कि हर एक लिस्टेड एंटिटी को करना ही करना है। एंड दैट इज why I say at the beginning of the lecture also I said it, that is why I always say कि ये जो हम कह रहे हैं ना, ये है आपको जिस दिन आप पार्टिकलशिप स्टार्ट करोगे, जो काम आपको करना है वो यही करना है, बिकॉज बाकी सारी चीजें जो आप पढ़ते हो, ICDR पढ़ते हो, अरे कंपनी अपने जीवन में शेयर्स कितनी बार इशू करेगी, एक दो तीन बार, तो जब शेयर इशू करेगी तब ICDR आएगा। कि टेक ओवर, डीलिस्टिंग, ये सब academically important है, but कंपनी को practically इसको use rarely करना है। LODR वो है जो कंपनी को डेली बेसिस पे करना है, जब लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हो हर क्वार्टर एंड में आपको सारे कंप्लायंस रिपोर्ट बनाने, ये सारा काम करना है। एंड दैट इज व्हाई दिस रेगुलेशन इज अ लिटिल बोरिंग, इज अ लिटिल बोरिंग, आई अंडरस्टैंड, इज अ लिटिल ड्राई, बट ये वो है जो आपको बेसिकली पीरियोडिकली बार 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 करना है। इस कारण से पास पेपर्स में इसकी इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ती जा रही है, तो बहुत केयरफुली LODR पढ़ते हुए जाना है। LODR पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे, मान के चलिए। और ये कब से पूछना चालू किया है, जब से एग्जीक्यूटिव के बाद में आर्टिकलशिप का ऑप्शन आ गया। पहले एग्जीक्यूटिव के बाद में आर्टिकलशिप रेयर होती थी, अब फिर भी प्रैक्टिकल ऑप्शन है, एग्जीक्यूटिव के बाद में आर्टिकलशिप करते हैं, पहले कोई नहीं करता था, अभी फिर भी थोड़े से बच्चे करते हैं, तो उसके बाद में उन्होंने LODR पे क्वेश्चनिंग को बहुत बड़े हद तक बढ़ा दिया। चलो सर, ये जो आपने पढ़ा दिया, ये लिखा दिया, इसको हम फाइनल मान ले क्या? नहीं, ये क्या है? पीरियोडिक कंप्लायंसेस। ये वो है जो आपके मॉड्यूल में देखा, मैंने आपको पढ़ाया है। इसके अंदर कुछ माइनर चेंजेस मैं आपको करवाऊंगा जो रीसेंट अमेंडमेंट्स आए, बट अभी हमने मॉड्यूल के हिसाब से ये सब पढ़ लिया। आपको इसमें क्या करके आना है ये मैं आपको बताऊंगा, बट रुकते हैं अभी हम। तो अभी हमने क्या पढ़ लिया, हमने पीरियोडिक स्टेटमेंट पढ़ लिया। सर हम कहां तक पहुंच चुके हैं LODR में? LODR में हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं? हमने सबसे पहले शुरू किया, हमने एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क समझा कि जो चैप्टर बनाते हैं वो प्रिलिमिनरी आता है, उसमें तीन रेगुलेशन है, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंडेड कमेंसमेंट, डेफिनेशन एंड एप्लीकेबिलिटी। फिर आता है प्रिंसिपल्स गवर्निंग का, वो हमारे सिलेबस में नहीं है। फिर आता है कॉमन ऑब्लिगेशन, फिर हमने कॉमन ऑब्लिगेशन पढ़ ली। कुछ कॉमन ऑब्लिगेशन बोलो फटाफट से। कंप्लायंस, हमें कंप्लायंस ऑफिसर चाहिए, शेयर ट्रांसफर एजेंट चाहिए, हम इलेक्ट्रॉनिकली फाइलिंग भी करेंगे, हम फीस भी इलेक्ट्रॉनिकली ही देंगे, डिविडेंड वगैरह भी सारा इलेक्ट्रॉनिकली देंगे, ईयर एंड पे फीस भी देंगे, और एक दो पॉइंट और है, पॉलिसी ऑफ डॉक्यूमेंट, कि हम डॉक्यूमेंटेशन की भी पॉलिसी मेंटेन करके रखेंगे। ये सब हो गए हमारे कॉमन ऑब्लिगेशन। उसके बाद हम चैप्टर फोर के ऊपर आए कि अगर किसी कंपनी ने अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज इशू किए तो क्या, और ये हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर में। अगर आपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटी इशू किए ना, तो आपको इमीडिएटली लिस्टिंग के बाद ही कंप्लायंस ऑफिसर अपॉइंट करना पड़ेगा, शेयर ट्रांसफर एजेंट अपॉइंट करना पड़ेगा, एक पॉलिसी फॉर डॉक्यूमेंटेशन बनाना पड़ेगा, कमिटी सारी फॉर्म करनी पड़ेगी। फिर जैसे ही आपका पहला क्वार्टर एंड होगा, आपको क्वार्टर एंड के अंदर आपके कंप्लेंट का, इन्वेस्टर कंप्लेंट का स्टेटमेंट बना के देना पड़ेगा, शेयर होल्डर पैटर्न बनाना पड़ेगा, स्टेटमेंट ऑफ डिविएशन वेरिएशन बनाना होगा, कंप्लायंस रिपोर्ट बनाना होगा, मॉनिटरिंग एजेंसी रिपोर्ट बनाना होगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना होगा। उसके बाद में जब आपका क्वार्टर एंड, हाफ ईयर एंड होगा, तब आपको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर देने होंगे, आपको चेंज जो भी स्टेटमेंट ऑफ असेट लायबिलिटी कैश फ्लो देना होगा, और जब ईयर एंड होगा तब आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देना है, एनुअल रिपोर्ट देना है, आपको दो, एक तो आपका कंप्लायंस सर्टिफिकेट देना है कि शेयर ट्रांसफर एजेंट ने सारा काम सही से किया है, और एक सर्टिफिकेट बाय अ प्रैक्टिसिंग सीएस दैट शेयर ट्रांसफर एजेंट ने साल भर में सारे सर्टिफिकेट टाइम टू टाइम इशू किए हैं, और जो फीस है वो तो आपको एनुअल बेसिस पे देनी ही है। ये तो आपको पूरा का पूरा कंठस्थ होना चाहिए। इसको भी यहीं पर रखते हैं। इसके अंदर मैं यहाँ पे बस लिख लेता हूँ ताकि ध्यान रहेगा, आई एम येट टू डिस्कस सम अमेंडमेंट, ये डिस्कस करना बाकी रखता हूँ, बाकी ये हो गया पूरा मॉड्यूल के हिसाब से जो अभी तक हमने पढ़ा। वेरी गुड। अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आई एम हिटिंग अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, पूरी क्लास का फोकस स्क्रीन पे, कॉर्पोरेट
गवर्नेंस. अभी भी हम चैप्टर फोर के अंदर ही हैं, अभी भी हम चैप्टर फोर के अंदर ही हैं कि एक कंपनी जिसने लिस्ट की अपने स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज उसके ऊपर आते हैं कुछ पॉलिसीज बाय कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब दो मिनट के लिए थोड़ा सा स्लो डाउन करता हूं, फिर वापस स्पीड अप करेंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है एक बार अच्छे समझ लो. तो कैसा होता था, भारत में बहुत सारी कंपनीज होती थी लिस्टेड, लेकिन कुछ कम, आज भी देखोगे तो भारत में इतनी सारी कंपनीज हैं बट कुछ कंपनीज माइंड बॉगलिंग ग्रो करती है और कुछ कंपनीज ठीक ठीक ही चल रही है. टाटास को देखते हैं हम लोग, भाई तूफान तरीके से ग्रो हो रहे हैं. रिलायंस, अदानी, तो कुछ कंपनीज हमें दिख रही है यार, यार ये भी तो कंपनीज हैं, ये तो ग्रो कर रही हैं, पर बाकी कंपनीज ग्रो क्यों नहीं कर पा रही हैं? कुछ तो होगा ना जो ये कंपनीज कर रही है और बाकी कंपनीज नहीं कर रही हैं. एंड यू कैन नॉट से द टाइप ऑफ बिजनेस बिकॉज ये वो कंपनीज है जो हर बिजनेस करती है. टाटास, रिलायंस आजकल किस बिजनेस में नहीं है? एफएमसीजी से लेकर टेलीकम्युनिकेशन से लेकर पेट्रोल, ये हर बिजनेस में है, ये लोग हर बिजनेस में है एंड दे आर डूइंग ग्रेट. मतलब इट इज नॉट इवन अबाउट द बिजनेस, इट इज अबाउट हाउ दे आर डूइंग द बिजनेस. कुछ तो वो बहुत खास कर रहे हैं कि वो लोग आगे बढ़ते हैं और बाकी कंपनीज इतनी आगे नहीं बढ़ पा रही हैं. सो बहुत साल पहले समझ में आया कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो प्रॉब्लम है. तब सेबी ने कहा एक काम करते हैं, हमने लॉ तो बना लिया, हमने लॉ तो बना लिया है कि ये सब लॉ अगर एक कंपनी फॉलो करेगी तो डिस्क्लोजर्स अच्छे होंगे, बट हमें लॉ को और भारी बनाना है और बेहतर बनाना है. उन्होंने एक कमेटी बनाई हेडेड बाय श्री कुमार मंगलम बिरला, ऑफ कोर्स वन ऑफ द फाइनेस्ट बिजनेसमैन इंडिया के. एक कमेटी बनाई जो उन्होंने हेड किया, उनको बोला कि आप ऐसी रिपोर्ट बनाओ, ऐसी बताओ कि आप कौन सी चीजें जो आप लोग अपनी कंपनीज में करते हो जिसके कारण आपकी कंपनीज इतनी तूफान परफॉर्म कर रही है, आपकी कंपनीज इतनी लॉ कंप्लायंट होती है, आपकी कंपनीज में हम फाइन पेनल्टी भी रेयरली लगाते हैं, ऐसा क्या करते हैं आप? गिव अस सम कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स. व्हाट इज कॉर्पोरेट गवर्नेंस? कॉर्पोरेट गवर्नेंस आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी. कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब अगर मुझे बोलना होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आसान भाषा में मतलब रहेगा, दीज आर बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी. एक कंपनी को मैनेज करने की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं उन्हें कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस. अब सुनना, तब सेबी ने सोचा कि हम क्या करते हैं, ऑप्शनल रखते हैं, मतलब सबको, सारी लिस्टेड कंपनीज को बता देते हैं कि ये बड़ी बड़ी कंपनीज फॉलो करती है, आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो, ये बोल देते हैं. बट उन्होंने अतीत से देखा है कि कोई भी चीज को अगर ऑप्शनल रखा तो कंपनीज उसको फॉलो नहीं करेंगी. कंपनीज को समझता नहीं है कि उनके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है. इट इज समथिंग लाइक कि आपके माँ बाप जब आप छोटे हैं तब आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप 5 साल के, आपको ऑप्शन दे रहे हैं कि सुनो तुम्हें मंदिर जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ. अब आप में तब इतना समझ नहीं है कि आप क्या डिसाइड करो, तो माँ बाप क्या कहते हैं, इनको समझता नहीं है, भाई सुबह उठ के मंदिर जाना पड़ेगा, सुबह गाय को एक रोटी खिलानी पड़ेगी, सुबह तुझे पशु पक्षियों को खाना खिलाना पड़ेगा. आप में तब इतनी समझ नहीं है कि वो क्यों करने की जरूरत है, लेकिन उनको लगता है कि ये आपके ऊपर कंपल्शन किया, तो धीरे धीरे आपको उसका बेनिफिट दिखेगा और शायद आप कल को अच्छे से उस चीज को करो. सो व्हाट सेबी डिड इज, सेबी ने ये जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म थे जो कुमार मंगलम बिरला साहब ने लिख के दिए थे और ऐसे बहुत सारे बिजनेसमैन ने, बहुत सारी कमिटीज ने रिकमेंड किए कि यार ये करती है अच्छी अच्छी कंपनीज, तो कंपनीज आगे बढ़ रही है, सेबी ने उसे कंपल्सरी कर दिया ऑन ऑल द कंपनीज और उन नॉर्म्स को कहते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म. तो चैप्टर नंबर 4 LODR का चैप्टर 4 जो है, उस चैप्टर 4 के अंदर कुछ रेगुलेशन हैं. ये रेगुलेशन तकरीबन 16 से आसपास, 17 के आसपास स्टार्ट होते हैं. रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर कुछ 24, 23 के आसपास से रेगुलेशन चलते हैं, 30s के आसपास भी चलते हैं. ये कुछ रेगुलेशन हैं जो कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस रेगुलेशन, विच वर अर्लियर फ्यू प्रैक्टिसेस जो टॉप कंपनीज करती थी वहां से चुन चुन के लाए और अब ये लिस्टेड कंपनीज पे कर दिया अनिवार्य. हर लिस्टेड कंपनी को ये फॉलो करना ही पड़ेगा. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस जब लाए थे, इस आउटलुक से लाए थे, दीज आर दी बेस्ट प्रैक्टिसेस टू मैनेज अ कंपनी, बट दीज हैव बीन मेड मैंडेटरी. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? जैसे कि आप समझो लॉजिकली क्या होता, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी बनानी है तो बनाओ, बनाओगे तो फायदा होगा, ये ऑप्शन दे सकते थे, बट सेबी ने क्या कहा, नहीं बनानी होगी, आप बनाओगे तो आपको उसका बेनिफिट समझ में आएगा. ये सब होते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स से बेस्ट प्रैक्टिस टू मैनेज अ कंपनी, इसमें हम लोग ऑफ कोर्स सारी कमिटीज को तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ और कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स से वो पढ़ेंगे. इवेंट बेस्ड कंप्लायंसेस अभी हमने स्किप करके आगे बढ़े, ये यहां पर आपके मॉड्यूल में दे रखा है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस अंडर सेबी LODR रेगुलेशन. कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बहुत सारे कॉर्पोरेट गवर्नेंस होते हैं, पर आपके मॉड्यूल में इनकी सिर्फ हेडिंग दी है, रेगुलेशन नंबर दिया, आप देखोगे अच्छे से तो 16 तो डेफिनेशन है. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म स्टार्ट कहां से हो रहे हैं, 17 से लेकर तकरीबन आप दे सकते हो 27 तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म्स चलते हैं, तकरीबन रफ आइडिया. तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के नॉर्म दे रखे हैं LODR के अंदर रेगुलेशन नंबर 17 से लेकर 27 तक. इसमें आपके पॉपुलर वाले बता देता हूं जो आपको याद रखना भी काफी आसान रहेगा.
जैसे कि बोर्ड कॉम्पोजिशन, कि बोर्ड का कॉम्पोजिशन कैसा होने वाला है, मैं भी पढ़ाने वाला हूं, आपने पढ़ाई होगा, एक ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन होना चाहिए, 50% नॉन एग्जीक्यूटिव होना चाहिए, आपके जो इंडिपेंडेंट कितने होने चाहिए ये डिपेंड करता है आपका चेयरमैन कौन होगा, 1 वुमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, ये सब है बोर्ड का कॉम्पोजिशन, अभी हम उसके ऊपर आने वाले हैं। उसके बाद में साइज ऑफ द बोर्ड कैसी होनी चाहिए, अपॉइंटमेंट ऑफ वुमेन डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर कंपल्सरी, इंडिपेंडेंट वुमेन डायरेक्टर्स मैंडेटरी ओनली ऑन टॉप सर्टेन कंपनीज। उसके बाद में मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स रिक्वायरमेंट फॉर टॉप दिस इज ठीक है, वेयर कंपनी ने इशूड एसआर इक्विटी शेयर ठीक है, नंबर ऑफ मीटिंग ऑफ द बोर्ड कितना है, 4 ही रखा गया इन्होंने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट एक चीज कहते हैं कि 4 बोर्ड मीटिंग तो होनी चाहिए और एक मीटिंग होनी चाहिए ओनली इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की, जहां पे वो एनालाइज करते हैं वर्क ऑफ नॉन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऐसा। उसके बाद में कोरम की बात हो गई, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, कि एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनी में डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है, ये हो गया। सक्सेशन प्लानिंग, अरे भाई तूफान है सक्सेशन प्लानिंग, सक्सेशन प्लानिंग मतलब आज आपकी कंपनी आप चला रहे हो, आपकी कंपनी आगे कौन चलाने वाला है, अपकमिंग डायरेक्टर्स कौन होने वाले हैं, अपकमिंग पार्टनर कौन होने वाला है, मतलब अपना प्रमोटर कौन होने वाला है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, रिलायंस डज नॉट हैव दैट प्रॉब्लम, टाटा, आज द एंटायर इंडिया इज डिस्कसिंग कि टाटा आगे कैसे बढ़ेगा, वंस रतन टाटा साहब आगे किसी को हैंडओवर करने की कोशिश करते हैं, टाटा सन्स उन्होंने साइरस मिस्त्री को हैंडओवर किया था, बट उसके बाद में उनको वापस नहीं जमा, केसेस चले, उन्होंने वापस चेयरमैनशिप किसी और को दी, तो अब ये कंपनी को आगे चलाने वाला कौन है, दैट इज नोन एज सक्सेशन प्लानिंग, यू नीड टू अपॉइंट समवन, यू नीड टू हैव गुड डायरेक्टर्स हु गोना मैनेज द कंपनी, तो उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए। उसके बाद में इवैल्यूएशन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप वापस आता है, हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑडिट कमेटी, यहां से आपके फेवरेट आ जाएंगे, ऑडिट कमेटी रेगुलेशन नंबर 18, नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी रेगुलेशन नंबर 19, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी 20, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी 21, विजिल मैकेनिज्म 22। तो ये सब कुछ ऐसे हैं, कभी बहुत पहले एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, एक्सप्लेन एनी 5 कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म, ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है एक्सप्लेन एनी 5 के अंदर, आप इनमें से कोई भी 5 एक्सप्लेन कर सकते हो, बट एनीवेज ये तो आपको पढ़ना ही है ना, तो यही 5 को याद रख लो तो आपके लाइफ आसान है, बिकॉज इस पे तो इंडिपेंडेंट क्वेश्चन भी आते हैं एंड इनका सीक्वेंस भी इजी है, 18, 19, 20, 21 एंड 22। इसके बाद में जो मैंने बताया कि डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, और इस प्रकार से ये सब बहुत सारे हैं आपके कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म्स, ये सब आपके मॉड्यूल में भी दे नहीं रखे हैं, उन्होंने सिर्फ हेडिंग दे रखी है और सिलेक्टेड वालों को उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। चलिए, नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स हिट टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ देम। सबसे पहला कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्स्ट पे आ रहे हैं हम लोग, अगर इधर जाते हैं तो हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे अमेंडमेंट डिस्कस करना बाकी है और मैं आपके साथ में इवेंट बेस्ड कंप्लायंस को भी डिस्कस करूंगा। चलो, हमारे इधर कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के ऊपर, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर सबसे पहला आपका होना चाहिए ऑप्टिमम कॉम्पोजिशन, हम सबको पता है व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिमम, जो बेस्ट रहता है, ठीक है, मजा नहीं आया, मजा तब आया जब बोलेंगे एटलीस्ट 50% होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो पहला लिमिट उन्होंने बताया कि आप जब भी कंपनी लिस्टेड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी के अंदर कम से कम 50% डायरेक्टर्स होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ओके सर। उसके बाद में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टॉप 500 लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट वुमन डायरेक्टर बाय दिस 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 एंड टॉप 1000 लिस्टेड एंटिटीज हैव एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाय दिस दिस दिस। सुनो, ये मैं वैसे तो अभी आपको मतलब एक बार बस ये बात बताता हूं कि कोई भी प्रोविजन जहां पे टॉप का आता है आपको किस प्रकार से पढ़ना होता है उसको। The board of director of top 500 listed entities shall have at least one independent woman director by April 1, 2019, and board of director of top 1000 listed entities shall have at least one independent director by April 1, 2020. इसका मतलब ये है, April 1, 2019 से लेकर April 1, 2020 तक top 500 के ऊपर requirement थी one independent woman director की, April 1, 2020 के बाद में top 1000 के ऊपर ही है, ये बात तो समझ में आई। अभी हम कहां पर हैं? April 1, 2020 के बाद में, तो ये पार्ट आपके लिए बिल्कुल हो जाता है इररेलेवेंट। मैं क्या बोल रहा हूं, बात समझ में आ रही है? तो जहां पर भी आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जहां पे भी ये 500,000 में 2-3 डेट दे रखी है, आप देखो कि अभी हम कहां पर हैं, अभी हम जहां पर हैं ये डेट है, ये इररेलेवेंट है। एग्जामिनर विल नेवर आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक दिस कि इन द ईयर ऑफ 2018 टेल अस कि कैसा होगा, ऐसा नहीं होगा। डायरेक्टली क्वेश्चन फेंकेंगे आपके सामने कि एक कंपनी ऐसी सिचुएशन है, बताओ कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करना ही नहीं करना है, आपको एज ऑन डेट ही आंसर करना होता है, तो ये इरेलेवेंट हो गया। दूसरा एक सजेशन है, जब भी आप पढ़ रहे हैं LODR, ये जो भी टॉप 500,000 इन सबको इग्नोर करो, सिर्फ कोर प्रोविजन पे फोकस करो। एक बार कोर प्रोविजन पढ़ लिया है फिर आपको मॉड्यूल में ही एंड में एक लिस्ट मिलेगी कि टॉप 500, टॉप 1000, टॉप 2000 पे क्या क्या लिमिट्स एप्लीकेबल है, तब साथ में पढ़ो, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा। तो जब भी पढ़ते हैं इनको पढ़ना जरूर है, बट अभी इग्नोर करो, पहले मेन प्रोविजन पढ़ लो विच आर एप्लीकेबल ऑन ऑल द लिस्टेड एंटिटी, और उसके बाद में पढ़ो जो टॉप 500,000, 2000 पे।
तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हम ऑल लिस्टेड एंटिटी की बात कर रहे हैं, सारी लिस्टेड एंटिटी के ऊपर हमने पढ़ा कि एप्लीकेबल है कि 50% डायरेक्टर्स कैसे होने चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव। चलो स्लो डाउन, उसके बाद में सवाल आ जाता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कॉम्पोजिशन कैसा होना चाहिए। मतलब सवाल यह है कि आपका चेयरमैन, आपके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, बहुत अच्छे से समझना। सबसे पहले यहां पर हमने पढ़ा कि आपके नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितने होने चाहिए, आंसर मिल गया 50%। अब दूसरा सवाल हमारे समक्ष आता है कि आपके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए। 100% फोकस यहां पे, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, ये डिपेंड करता है दो फैक्टर पे, आपकी कंपनी का चेयरमैन कौन है और आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए हैं क्या। अच्छे से समझना, अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, फोकस 100% एक ही बार में समझ में आ जाएगा, ठीक है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस नॉर्म के अंदर हम यहां पर हैं, फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए पढ़ा रहा हूं मैं, अच्छे से फोकस करना। अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन जो है उसकी बात कर रहे हैं, अगर ये चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, आपका चेयरमैन कैसा है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, बात ही खत्म। आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने अपॉइंट करने पड़ेंगे, 50%। अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो आपकी कंपनी में 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना कंपलसरी हो गया, ठीक है सर। अगर आपकी कंपनी का डायरेक्टर, सुनना अच्छे से, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बट नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है बट ही इज रिलेटेड टू प्रमोटर डायरेक्टर और वन लेवल बिलो बीओडी, बीओडी का जो वन लेवल बिलो रहता है यहां से रिलेटेड है, मतलब हमारा डायरेक्टर तो नॉन एग्जीक्यूटिव है लेकिन वो रिलेटेड है, वो या तो प्रमोटर का रिलेटिव है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिलेटेड है, या वन लेवल बिलो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इन सब का रिलेटेड है, तो भी आपकी कंपनी के अंदर अपॉइंट करने पड़ेंगे आपको 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। या फिर अगर मान लीजिए आपकी कंपनी ने डायरेक्टर, डायरेक्टर छोड़ दो, एक आपका चेयरमैन कैसा भी है, आपकी कंपनी का चेयरमैन कैसा भी है, लेकिन अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू किए हुए हैं तो भी आपकी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ेगा 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। आपकी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होंगे, 50% होंगे, अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव है, या फिर आपकी कंपनी का चेयरमैन एग्जीक्यूटिव है तो 50%, अगर आपकी कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव बट वो रिलेटेड है हमारे किसी भी व्यक्ति से तो भी 50%, और अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए तो भी 50%। तो अब सुनो सुनो सुनो, कहानी कैसी बन जाती है, इफ कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्लस रिलेटेड भी नहीं है किसी से भी, कंपनी का चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, रिलेटेड भी नहीं है, ये पहली कंडीशन। दूसरा, कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू भी नहीं किए हैं, इन सबको अगर आप सेटिस्फाई करते हो देन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आपको अपॉइंट करने हैं 1/3। आर यू गेटिंग अ फेयर आइडिया, दिस इज द इजिएस्ट वे आई कुड हैव एक्सप्लेन, एकदम आराम से। आपकी कंपनी में डिपेंड करता है, सबसे पहले एसआर इक्विटी शेयर की बात कर लेते हैं, एसआर इक्विटी शेयर अगर इशू किए हैं तो पूछो ही मत कोच, आपकी कंपनी को 50% इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट करने, बात ही खत्म हो गई। एसआर इक्विटी शेयर इशू नहीं किए हैं तो ठीक है, और मेन इशू आता है आपका कि आपका चेयरमैन कौन है। अगर आपका चेयरमैन एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है और वो किसी से भी रिलेटेड नहीं है तो उस केस में 1/3 है, अगर आपका चेयरमैन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है तो 50%, और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और साथ में वो रिलेटेड है तो भी क्या होगा, 50%। तो ये केसेस हो गए 50% के, और ये केस आ गया 1/3 का। आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया, दिमाग में क्लियर हो रहा है, रिवाइज हो रहा है अच्छे से। चलो ये हो गया आपका कि चेयरमैन आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कैसा होना चाहिए। इसके पहले मैंने आपको बता दिया नॉन एग्जीक्यूटिव, दैट इज वेरी इजी, कि आपका नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कितना होना चाहिए, वहां पे बिना सोचे समझे 50%।
वैसे ऑफ कोर्स रिवीजन में ये सब बात नहीं करता, बट आई थिंक एवरीवन इज क्लियर. व्हाट डू मीन बाय नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर? अ डायरेक्टर व्हिच डज नॉट हैंडल एनी वर्क इन द कंपनी. कोई भी फुल टाइम काम नहीं संभालता है, वो होता है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. वो सिर्फ आके मीटिंग अटेंड करता है, अपना ओपिनियन देता है, एंड दैट पर्सन इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. बट इफ इट ऑल अ डायरेक्टर, हमें नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एक हो गया. इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अ पर्सन हु कंप्लाइज विद 149 सबसेक्शन 6. एलओडीआर का अपना भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का डेफिनेशन होता है, बट वो बहुत आसान है. अगर 149 सबसेक्शन 6 पता है तो ये तो आराम से समझ में आता है. एक व्यक्ति अगर वो सब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट सेटिस्फाई कर देता है तो वो व्यक्ति है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो 50% नॉन एग्जीक्यूटिव, 50% इंडिपेंडेंट. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? यस. जरूरी नहीं है, मैं क्या कह रहा हूं अच्छे सुनना, जरूरी नहीं है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो. जरूरी नहीं है कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इंडिपेंडेंट हो. एग्जाम्पल, नीता अंबानी, शी इज अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बट शी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. डिपेंडेंट है ना भाभा? ऑफकोर्स भाभी इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है, भाभी नॉन एग्जीक्यूटिव है, लेकिन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर में वो सेटिस्फाई नहीं होती है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के अंदर सेटिस्फाई होती है. आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया? तो इसको मिक्स नहीं करना है कि इंडिपेंडेंट मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव होना ही चाहिए. नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता है. नॉन एग्जीक्यूटिव है पर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, ऐसे बहुत एग्जांपल मिल जाएंगे. बट जनरली आप देखोगे कि जो इंडिपेंडेंट होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव ही रहते हैं जनरली. बट कॉम्प्लिकेट नहीं करना इस चीज को, दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो इस पर डिपेंड करता है एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव, और आप कंपनी से किसी भी तरह से रिलेटेड हो क्या इस पर डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट. आर वी क्लियर? चल, तो ये हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस का नॉर्म. इसके बाद में अगर यहां पे देखते हैं कंपनी ने ऐसा रिक्रूट, ये सब चीज हमने पढ़ ली. मैक्सिमम एज ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, नो लिस्टेड एंटिटी शैल अपॉइंट अ पर्सन और कंटिन्यू द डायरेक्टरशिप ऑफ एनी पर्सन एज अ नॉन एग्जीक्यूटिव हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 75. अगर कोई भी व्यक्ति ने 75 इयर्स की एज अटेन कर ली है तो उसके बाद में वो नॉन एग्जीक्यूटिव की तरह काम नहीं कर सकता अनलेस अ स्पेशल रेजोल्यूशन इज पास्ड. अब इसके अंदर जब आप इसको पढ़ोगे कुछ बच्चे इसको कंफ्यूज करेंगे विद कंपनीज एक्ट का, केएमपी का जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है. केएमपी के डिस्क्वालिफिकेशन आप ऐसा कुछ पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति केएमपी नहीं बन पाएगा अगर वो कैटेगरी 1 केएमपी नहीं बन पाएगा अगर वो व्यक्ति ने एक एज क्रॉस कर ली है. लेकिन उसके बाद में उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर लो या ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल. उससे इस प्रोविजन को रिलेट नहीं करना है, दैट इज कंप्लीटली डिफरेंट, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट. ये क्या कह रहा है, एक लिस्टेड एंटिटी के अंदर अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहते हो मोर देन 75 इयर्स, यू विल हैव टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन. कोई और ऑप्शन नहीं है. अननेसेसरी आप क्या सोचते हो, यहां पर भी एग्जाम के आंसर में आप लिख देते हो ऑर्डिनरी प्लस सेंट्रल. नहीं, ये ऑप्शन नहीं है. यहां पर एक ही तरीका है, अगर आप किसी भी कंपनी के अंदर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को 75 के आगे रखना चाहते हो तो आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. सिंपल, 75 इयर्स नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. चलो, और उसका होगा स्पेशल रेजोल्यूशन. फिर मिनिमम डायरेक्टरशिप की कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है. यहाँ पे टॉप क्या था, मीटिंग ऑफ बोर्ड, चार मीटिंग करेंगे, कुछ नहीं. कोरम नॉर्मल होगा. हाँ, कोरम के अंदर भी कैसा है, थोड़ा सा डिफरेंस है. यहाँ पे बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे. नहीं, हम आगे टॉप 100-200 की बात करेंगे. हाँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पे आता हूँ, अच्छे से फोकस करना. ये भी थर्ड टॉपिक जिसपे मैं आ रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप और चेयरमैनशिप. फोकस स्क्रीन पे. आई सिंसियरली होप, मुझे ऐसा लग रहा है अब कि वील बी टेकिंग वन मोर सेशन ऑफ एलओडीआर, ऐसा मुझे उम्मीद है. बट अभी अच्छे से कंप्लीट करते हैं जितना हमारा टारगेट है. चलिए, नंबर ऑफ डायरेक्टर, नंबर ऑफ चेयरमैनशिप की बात करते हैं. एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता है, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप और चेयरमैनशिप. एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कमिटीज का मेंबर बन सकता है और उनमें से कितनी कमिटी का चेयरमैन बन सकता है. कमिटी मेंबरशिप, तो एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, एक व्यक्ति मैक्सिमम कितनी कमिटी का मेंबर बन सकता है और एक व्यक्ति मैक्सिमम उनमें से कितनी कमिटीज का चेयरमैन बन सकता है, दैट इज द प्रोविजन हियर. अच्छा, सबसे पहली चीज, अ पर्सन शैल नॉट बी डायरेक्टर इन मोर देन 8 लिस्टेड एंटिटी. एक व्यक्ति 8 से ज्यादा लिस्टेड एंटिटी का डायरेक्टर नहीं बन सकता है. लेकिन आगे देखो क्या लिखा है, and not in more than 7 listed entity with effect from April 1, 2020. हमारे लिए 7 relevant है या 8? 7. तो completely ignore कर देना है हमें 8 वाले point को. बात समझ में आ रही है? तो आज की तारीख में हर व्यक्ति
जो लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बनना चाहता है वो मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। अब ये कंपनीज एक्ट से क्यों कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करती है, प्रोविजन कुछ ऐसा रीड करेंगे अपन होलिस्टिक व्यू में। सो अ पर्सन कैन बी अ डायरेक्टर इन मैक्सिमम 20 कंपनीज, आउट ऑफ विच 10 कैन बी पब्लिक कंपनीज, आउट ऑफ विच 7 कैन बी लिस्टेड कंपनीज। इस तरह से हम आसानी से समझ सकते हैं। तो समझो ओवरऑल कि आपके पास टोटल 20 कंपनीज है, लेकिन उसमें आपकी लिस्टेड कंपनीज सिर्फ कितनी हो सकती है, 7। A person can be director in maximum 7 listed company. Okay. However, a person shall not serve as an independent director in more than 7 listed entity. Independent ka bhi limit 7 hai. Ab yahan pe kya galat mat sochna? It is not 7+7. 7+7 nahi hai. Aap 7 listed company ke andar director ban sakte ho. Baat khatam. Jitna aapko independent director banna hai bano, jitno ka aapka regular director banna hai bano, lekin aap total 7 listed company ke andar director ban sakte ho. Baat samajh mein aa rahi hai? Ye pehla. Next. Any person who's serving as a whole-time director managing director in any listed entity shall serve as an independent director not more than 3 listed entity. Lekin agar aap, sabse pehli cheez ho gayi ki maximum 7 ho gaya, maximum number of directorship, to yahan pe sabse pehle hum log baat kar rahe hain directorship ki. Yahi complicated hai, aage ka to easy hai, chairmanship committee ka. Directorship, a person can act as director in maximum 7 listed entities. Maximum 7 listed entities. थोड़ा सा फोकस करना, ये जो पूरा पार्ट है इसको स्टार मार्क करता हूँ, एग्जाम में इस पे केस स्टडी क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा फोकस कर लो, स्लो डाउन हो रहा हूँ मैं भी। डायरेक्टर इन मैक्सिमम 7 listed entities. एक व्यक्ति डायरेक्टर बन सकता है मैक्सिमम 7 listed entities से, इजी। फिर हमें दूसरी चीज पढ़ी, बट अगर वो व्यक्ति बन जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर इन अ लिस्टेड एंटिटी, तो अगर एक व्यक्ति बन जाता है मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर इन लिस्टेड एंटिटी, तो उसका जो 7 का लिमिट था टोटल, वो 7 कंपनीज के अंदर डायरेक्टर बन सकता था, 7 कंपनीज में इंडिपेंडेंट भी बन सकता था। मतलब वो चाहिए तो ऐसा सोचता कि मैं टोटल 7 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूं, 7 के अंदर मैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बन सकता हूं। लेकिन अगर वो किसी भी एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर बन गया है, तो फिर वो अगर मान लीजिए 6 कंपनी के अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनेगा, तो वहां पे टाइम ही वेस्ट करेगा, वहां पे बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर ही नहीं पाएगा एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, बिकॉज ही इज ऑलरेडी अ होल टाइम डायरेक्टर, तो यहां पे पूरा समय देना पड़ेगा। तो बोले नहीं, अगर आप होल टाइम डायरेक्टर बन जाते हैं तो आप मैक्सिमम 3 कंपनीज में बन पाएंगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। लॉजिक इज सिंपल कि आप कंपनीज में जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनते हैं, आप पब्लिक के लिए डायरेक्टर बन रहे हो, कि आप ध्यान रख रहे हो कंपनी में कुछ गलत ना हो। अब आप एक कंपनी में बन जाओगे होल टाइम डायरेक्टर मैनेजिंग डायरेक्टर, और आप चाहते हो कि आप 6 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनो, तो यहां पे तो आप यूजलेस हो ना, फिर आप यहां पे तो कुछ कंट्रीब्यूट करने पब्लिक का क्या ध्यान रखोगे, मतलब नथिंग डूइंग। इफ यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर इन अ कंपनी, देन यू कैन एक्ट एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इन ओनली 3 कंपनीज। अब सुनना एक बार सर, एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 कंपनीज में डायरेक्टर हो सकता है, अगर मैं किसी एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन गया, तो मैं 6 कंपनी में नॉर्मल पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकता हूं? हाँ, यू कैन बी अ डायरेक्टर इन 7 कंपनीज, इन 1 कंपनी यू आर मैनेजिंग डायरेक्टर, यू कैन बी अ पार्ट टाइम डायरेक्टर इन 6 कंपनीज, दैट इज अलाउड, बट इन दोस 6 कंपनीज यू कैन बी पार्ट टाइम डायरेक्टर बट नॉट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप आप होल्ड कर सकते हैं 3 के अंदर। तो अब लिमिट कुछ ऐसी हो गई, 7 की लिमिट थी, एक में बन गया मैं अगर होल टाइम डायरेक्टर, अब मुझे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बनना है, तो मैक्सिमम 3 में बन सकता हूं, 1+3 4 हो गया, मेरे पास 3 की लिमिट और है ना, 3 में मैं नॉर्मल डायरेक्टर अभी भी बन सकता हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या? मैं वापस एक बार बोलता हूं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 7 लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ये तो ईजी हो गया, ठीक है सर। सर अगर मैं इंडिपेंडेंट बनी नहीं रहूं, तो मैं क्या एक कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर बनकर 6 में पार्ट टाइम बन जाऊं? थम्स अप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 कंपनी में पार्ट टाइम बन जाओ, एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओ, चलेगा। सर क्या मैं एक कंपनी के अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर बनके 6 कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाऊंगा? नो, इफ यू आर अ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर इन अ कंपनी, देन मैक्सिमम इंडिपेंडेंट डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है? 3। लास्ट क्वेश्चन, सर अगर मैं एक कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर बनाऊं, तो मेरे पास 6 पोजीशन खाली है, उसमें आप कह रहे हो कि इंडिपेंडेंट 3 बन सकता हूं, तो क्या मैं 3 कंपनीज में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और 3 कंपनीज में पार्ट टाइम डायरेक्टर बन सकता हूं? यस। तो आपके पास 7 की लिमिट तो है, लेकिन द मोमेंट यू चूज टू बिकम अ मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर इन अ कंपनी, देन इंडिपेंडेंट की लिमिट 3 आ गई है, बचा हुआ आप अदर पार्ट टाइम डायरेक्टर बन जाओ। आप किसी कंपनी में पार्ट टाइम डायरेक्टर बनते हैं, इससे गवर्नमेंट को प्रॉब्लम नहीं है, गवर्नमेंट का कहना है कि ठीक है ना, वो कंपनी आपको सैलरी दे रही है, आपको डायरेक्टर बना रही है, और उनको पता है आप कहीं पे होल टाइम डायरेक्टर हो, आपका इंटरनल अरेंजमेंट है, लेकिन आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की कोशिश करो, नहीं, वहां पे आपको ध्यान रखना है पब्लिक के पैसे का। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैक्सिमम 3, फिर होल टाइम डायरेक्टर पार्ट टाइम डायरेक्टर इन अ कंपनी। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस प्रोविजन? मैक्सिमम डायरेक्टरशिप यहां पे हुआ। इसके बाद में फॉर द पर्पस ऑफ काउंटिंग, यहां पे जब हम 7 वगैरह की बात कर रहे हैं, 7, 3, 1, यहां पे वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम 7 लिस्टेड एंटिटीज व्हिच हैव लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर। मतलब अगर मान लीजिए
एक ऐसी लिस्टेड एंटिटी व्हिच इज लिस्टेड इट्स डेट सिक्योरिटी, मैं उसका डायरेक्टर बनता हूं, मैं मेरी 7 की लिमिट को एग्जॉस्ट नहीं करता हूं। मैं 7 ऐसी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं जिन्होंने इशू किए उनके इक्विटी शेयर, जिन्होंने लिस्ट किए उनके इक्विटी शेयर। तो अगर कोई कंपनी है, 2 कंपनी जिन्होंने डेट सिक्योरिटी इशू किए और वो लिस्टेड हुए, अरे हम चैप्टर 4 में ना, राइट? तो अगर आपने कोई दूसरी सिक्योरिटी इशू की है, आपने डेट सिक्योरिटी इशू करके उसको लिस्ट कराया, मैं उस कंपनी का डायरेक्टर बन जाऊंगा, मेरी 7 की लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती है। मैं ऐसी 7 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता हूं जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स को लिस्ट कराया। बात समझ में आ रही है क्या? सो दिस लिमिट इज फॉर दोस कंपनी व्हिच हैव बिकम लिस्टेड मलाई से, व्हिच हैव बिकम लिस्टेड बिकॉज ऑफ देयर इक्विटी शेयर्स। तो 7 ऐसी कंपनीज का मैं डायरेक्टर बन सकता हूं जिन्होंने इक्विटी शेयर्स लिस्ट किए। हाँ, बाकी आप जितनी कंपनी के डायरेक्टर बनने में बने हो जिन्होंने डिबेंचर्स लिस्ट किए, ऑफ कोर्स कंपनीज एक्ट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा 20 और 10 का। अभी क्लियर? अब बहुत अच्छा, ये भी अच्छा प्रोविजन है, इस पे भी केस स्टडी क्वेश्चन बन सकता है, फोकस करना अच्छे से। अब बात करें कमिटी के अंदर मेंबरशिप, कि आप कितनी कमिटी के अंदर मेंबरशिप बन सकते कर ले सकते हैं डायरेक्टरशिप के बाद में कमिटी मेंबरशिप। फोकस 100% ऑन द स्क्रीन। एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है। मान लीजिए ऐसी मैं बहुत सारी कंपनीज का डायरेक्टर हूं, हर एक कंपनी के अंदर कमिटी है, तो मैं सबका मेंबर बनना चाहता हूं? नहीं, मैं मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता हूं। पहला लिमिट समझ में आ रहा है, ठीक है? इनमें से मैं 10 कमिटीज का मेंबर हूं, क्या मैं 10 का चेयरपर्सन बन सकता हूं? हर एक कमिटी में चेयरपर्सन होता है, हमको पता है? नहीं, आप मैक्सिमम 10 कमिटीज के मेंबर बन सकते हो, एंड आउट ऑफ देम मैक्सिमम 5 कमिटीज के चेयरपर्सन बन सकते हो, चेयरमैन बन सकते हो। आप मैक्सिमम 10 कमिटीज के मेंबर बन सकते हो और उनमें से मैक्सिमम 5 कमिटीज के चेयरपर्सन बन सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। ये तो आसान है। इसमें दूसरा पॉइंट है जहां पे आप गलती करते हो, बहुत केयरफुल रहना। जब ये लिमिट को हम पढ़ रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है 2 पॉइंट्स के बारे में। सबसे पहला पॉइंट कि जब ये कमिटीज की बात करेंगे, द लिमिट ऑन द कमिटी ऑन विच डायरेक्टर में सर्व इन ऑल पब्लिक लिमिटेड कंपनीज whether listed or not shall be included. मतलब ये जो 10 की लिमिट है, this is not just for listed. Even unlisted public companies में भी अगर आप कमिटी के अंदर मेंबर बने, तो आपकी एक लिमिट एग्जॉस्ट होगी। वापस ध्यान से, the limit on committee on which a director may serve in all public limited companies, whether listed or not, shall be included. And all other company, private, foreign, section 8, shall be excluded. मतलब पहला पॉइंट ये है कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं, जब हम यहां पे बात कर रहे हैं कि आप मैक्सिमम 10 कमिटीज के मेंबर बन सकते हो, यू कैन बी अ मेंबर ऑफ मैक्सिमम 10 कमिटीज ऑफ पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट का कितना ही बनो, लिस्टेड भी छोड़ो, कोई भी, भले लिस्टेड अनलिस्टेड, 10 कंपनीज की कमिटीज के अंदर आप मेंबर बन सकते हो। तो यहां पे जब हम लिमिट कैलकुलेट करेंगे, इस लिमिट के अंदर ऑल कंपनीज आर कंसिडर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मेजॉरिटी बच्चे गलत करके आएंगे, क्योंकि उनके दिमाग में क्या आएगा कि हम लिस्टेड कंपनी की कमिटी के अंदर डायरेक्टर बनते तो ही हमारी लिमिट एग्जॉस्ट होती है। लेकिन वहां पे क्लियरली कह रहे हैं कि आप लिस्टेड छोड़ो, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के भी अगर आप कमिटी के मेंबर बनते हो तो आपकी 10 में से एक लिमिट हो जाएगी एग्जॉस्ट। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि आप कोई भी पब्लिक कंपनी के भी कमिटी के मेंबर बनते हैं तो आपकी एक लिमिट एग्जॉस्ट होती है। दूसरा पॉइंट कि जब हम ये लिमिट कैलकुलेट करते हैं तब सारी कमिटी नहीं, ओनली 2 कमिटीज की लिमिट है। पहली तो ऑब्वियस सी बात है, ऑडिट कमिटी, एंड दूसरी इज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। पता नहीं क्यों बच्चे गलती करते हैं, बच्चे गलती ये करते हैं कि यहां पे स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और ऑडिट कमिटी है। उनको पता नहीं क्यों ऐसा होता है ना, राम के साथ लखन का नाम आता है, वैसे ऑडिट के साथ में अपने आप मन से निकलता है नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन। नहीं, ये जो लिमिट है ये है ऑडिट कमिटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी। एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा, वो एग्जाम में इसी प्रकार से क्वेश्चन बनाएगा कि नॉमिनेशन रेमुनेशन देगा। अगर कोई व्यक्ति नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी का मेंबर बनता है, कोई लिमिट एग्जॉस्ट नहीं होती उसकी। कोई आप 50 नॉमिनेशन रेमुनेशन कमिटी के मेंबर बन जाओ, 50 तो बनी नहीं पाओगे, इतनी कंपनी के अंदर आप मेंबर नहीं हो सकते, डायरेक्टर नहीं हो सकते, आप जितनी की बनने बन जाओ, कोई लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हो रही है। लेकिन सिर्फ 2 कमिटी पे लिमिट आती है, ऑडिट कमिटी एंड
स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी ऑफ ऑल द कंपनीज पब्लिक लिस्टेड और अनलिस्टेड, ऑल पब्लिक कंपनीज। मतलब अगर मैं इसको अच्छे से समझू, एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है, उनमें से 5 कमिटीज का वो चेयरपर्सन बन सकता है। एक व्यक्ति मैक्सिमम 10 कमिटीज का मेंबर बन सकता है, उनमें से 5 कमिटी का चेयरपर्सन बन सकता है। ये जो कमिटी की लिमिट हम पढ़ते हैं, इसके अंदर हम सारी पब्लिक कंपनीज को इंक्लूड करते हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड। मतलब मैं अगर एक अनलिस्टेड पब्लिक कमिटी का भी कमिटी, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी के कमिटी का भी मेंबर बनता हूं, तो 10 में से एक लिमिट एग्जॉस्ट हो जाती है, और उसका मैं चेयरपर्सन बन जाता हूं तो 5 में से एक लिमिट भी एग्जॉस्ट हो जाती है। तो ऑल पब्लिक कंपनीज इंक्लूडेड, पर यहां पे इंक्लूड करते हैं सिर्फ मात्र केवल हमारी ऑडिट कमेटी और स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी। ये थोड़ा सा प्रोविजन कॉम्प्लिकेटेड रहता है, तो इसके लिए मॉड्यूल ने बहुत प्यारी चीज क्या की है, मॉड्यूल ने इसके बाद में क्वेश्चन दे दिया है। आई जस्ट स्लो डाउन, आप शांति से इस क्वेश्चन को देखो, आंसर को नहीं देखना है, पहले क्वेश्चन को देख के अपना ओपिनियन बनाओ कि आपके हिसाब से इसके अंदर लिमिट वॉयलेट हो रही है या नहीं। फटाफट से ए यारो, ऑनलाइन वालों सब लोग कंपल्सरीली क्वेश्चन सॉल्व करो, इसको ब्रेक मत समझो, क्वेश्चन सॉल्व करो। गौतम, आई वुड विश टू, चले समझ में आ रहा है सबको, देखते हैं। अगर एक व्यक्ति ऑडिट कमिटी का मेंबर है, मेंबर भी कैसा है, चेयरमैन है ऑफ एबीसी लिस्टेड लिस्टेड कंपनी, तो सुनना, 10 का लिमिट था उसका और 5 का लिमिट था। अगर वो चेयरमैन बना है तो मेंबर भी तो बना होगा, तो 10 का भी एक लिमिट गया, अब 9 का लिमिट बना, 5 का भी गया, 4 का लिमिट बचा। समझ में आ रहा है कैसे देखना है कि भैया, तो एक व्यक्ति ऑडिट कमिटी का चेयरमैन बना, एबीसी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड है मतलब पब्लिक तो है ही, ठीक है, पब्लिक राइट जो भी लिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी है, तो हम यार हमारी चेयरमैनशिप का भी एक लिमिट गया, मेंबरशिप का भी एक लिमिट गया। नेक्स्ट, चेयरमैन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन, पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं मेरा, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन है ना, पब्लिक प्राइवेट लिस्टेड से फर्क नहीं पड़ता, कोई लिमिट एग्जॉस्ट नहीं हुआ। चेयरमैन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी ऑफ एबीसी लिमिटेड कंपनी, ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है वो चेयरमैन, तो 9 का लिमिट भी 8 हो गया, 4 का लिमिट 3 हो गया, अब वो 8 और कमिटी का मेंबर बन सकता है और उनमें से 3 और कमिटी का चेयरमैन बन सकता है। फिर आ गया चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी ऑफ एक्सवाइजेड लिमिटेड कंपनी, और ये लिस्टेड नहीं है तो भी लिमिट एग्जॉस्ट होने वाली है, पब्लिक कंपनी पे भी लिमिट एग्जॉस्ट होती है, तो यहाँ पे वो 8 में से 7 कमिटी का मेंबर बन सकता है और 2 कमिटी का चेयरमैन बन सकता है। चेयरमैन ऑफ नॉमिनेशन है, चेयरमैन ऑफ स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी ऑफ दिस, अरे अनलिस्टेड है, फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे भी उसने एक लिमिट एग्जॉस्ट किया, 6 का बचा और 1 का बचा, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज एडवाइज द लिमिट ऑफ मेंबरशिप, ही इज स्टिल लेफ्ट विद, ही कैन बी अ मेंबर ऑफ 6 मोर कमिटीज ऑफ पब्लिक कंपनी, ऑडिट कमिटी एज वेल एज स्टेक होल्डर रिलेशनशिप, एंड अमंग देम ही कैन बी अ चेयरमैन ऑफ वन मोर कमिटी। दिस इज हाउ वी हैव टू सी इट, आर वी गेटिंग अ फेयर आइडिया। चलो, लिस्टेड अनलिस्टेड से फर्क नहीं पड़ता है, पब्लिक कंपनी के अगर आप कमेटी के मेंबर बनते हैं तो आपकी लिमिट एग्जॉस्ट होती है, और कमेटी कौन सी, ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, नॉट नॉमिनेशन रेमुनेशन कमेटी। पता नहीं क्यों कुछ चीजें ऐसी, इसका कोई लॉजिकल बैकिंग नहीं है। मैं अगर आज क्वेश्चन दे दूंगा और मान लो ये आप 400-500 बच्चे इसका आंसर लिखोगे, पता नहीं क्यों उसमें 10-15 बच्चे पता वहां पे नॉमिनेशन रेमुनेशन लिखेंगे, इसे वो अंदर से आता है, तो खुद को संभालना है, ऑडिट कमेटी एंड स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, ठीक है, ये हो गया आंसर का देखा, लिमिट परमिटेड, ठीक है, टोटल चेयरपर्सन 4 विच इन द लिमिट 5 इज परमिटेड, तो 4 का वो चेयरमैन बना है जैसे कि बता रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, 1 की लिमिट और है हमारे हिसाब से भी। चलिए, अब इन्होंने लिख के दिया है, बड़ी ऑब्वियस सी बात है, इट इज टू बी नोटेड दैट चेयरपर्सन इज काउंटेड इन द ओवरऑल लिमिट ऑफ मेंबरशिप एज वेल। ऑफ कोर्स आप किसी कमेटी के अगर चेयरपर्सन बन रहे हैं तो मेंबर तो बने होंगे ना, तो आप अगर कहीं के चेयरमैन बनते हैं तो आपकी 10 में से एक लिमिट तो एग्जॉस्ट हो ही रही है और 5 में से भी एक लिमिट एग्जॉस्ट हो रही है, बिकॉज चेयरमैन बनने के लिए पहले आपको मेंबर बनना पड़ता है, बहुत ऑब्वियस सी बात है। चलिए, हम लोग आ चुके हैं यहां तक, मैं एक बहुत ही दिल में बड़ा ही टारगेट ले आया था कि आज आपका ये एप्लीकेबिलिटी तो ठीक है, कॉमन ऑब्लिगेशन कंप्लायंस के अंदर वन टाइम क्वार्टरली हाफ ईयरली इवेंट बेस्ड बाकी डिस्कस करना और इसमें भी अमेंडमेंट बाकी डिस्कस करना,
अमेंडमेंट बाकी है, इवेंट बेस्ड बाकी है, उसके बाद में कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर कंपोजिशन ब्यूटी कर लिया, मैक्सिमम नंबर कर लिया, बोर्ड कमिटीज बाकी है, बोर्ड कमिटीज बाकी है, विजिल मैकेनिज्म बाकी है, ऐसा प्रायर इंटीमेशन चीज बाकी है। तो ऑफकोर्स एलओडीआर का तो एक और सेशन होने वाला है, बफर डेज रखें हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोग क्या करते हैं, जितना समय बाकी है हम आई थिंक थोड़ी सी मेहनत करेंगे। आपका जेआईजीएल का रिविजन है कि नहीं है, किसी को बताया क्या? चलो चिल करो, कोई परेशानी नहीं, यहां पर आओ। हम लोग क्या करते हैं, बोर्ड कमिटीज ले लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट भी आज कर लेंगे, ताकि जब हम इसका पार्ट बी करेंगे तो पार्ट बी करने का एक और चीज क्या रहेगा, उस टाइम पे हमने जो ये पूरा पढ़ा है उसको भी एक बार रिवाइज कर लेंगे तो और स्ट्रांग हो जाएगा। तो बोर्ड कमिटीज ले लेते हैं, एकदम मस्ती से हो जाएगा बोर्ड कमिटीज। चले एलओडीआर बोर्ड कमिटीज, यस पीपल, अरे 100% फोकस जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे कमिटीज। चार कमिटीज है जो आपके सिलेबस में रख रखा है, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। चार प्रकार की कमिटी आपकी, ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन रेम्युनरेशन कमिटी, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट कमिटी। चलो सबसे पहले ऑडिट कमिटी पे आते हैं। द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स, सबसे आसान चीज है कि एक कमिटी के अंदर कितने डायरेक्टर होने चाहिए, थ्री, अच्छी बात है तो सब जगह मिलता है। नेक्स्ट, टू थर्ड ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि ऑडिट कमिटी के जो सारे मेंबर्स हैं उनमें से टू थर्ड होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इजी। इन केस ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी हैविंग आउटस्टैंडिंग एसआर, द ऑडिट कमिटी शैल ओनली कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इसको एंड में रखते हैं कि अगर आपकी कंपनी ने एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है तो आपके टू थर्ड नहीं सारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बाद में देखते हैं इसको। All members of audit committee shall be financial literate and at least one member shall have accounting related accounting or financial management expertise. अरे इतना आसान है, मैं आपको क्या बताऊं, इतना आसान है, बहुत ज्यादा आसान। यहां पर आता हूं मैं, सबसे पहला हमें मिलता है ऑडिट कमिटी, सबसे पहला पॉइंट पड़ा मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, तो ऑडिट कमिटी के अंदर कम से कम तीन डायरेक्टर होने चाहिए, डायरेक्टर डायरेक्टर डायरेक्टर, ऑडिट कमिटी नीड्स टू हैव मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, इजी पीजी, ठीक है। उसके बाद में आता है कि इनमें से टू थर्ड हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है। तो ऑडिट कमिटी हैज टू हैव मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच टू थर्ड हैव टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। उसके बाद में ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी हैव टू बी फाइनेंशियली लिटरेट। सर व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल लिटरेट, लिटरेट वर्ड का मतलब होता है कि पढ़ना लिखना आना चाहिए, फाइनेंशियल लिटरेट का मतलब होता है यू नीड टू बी एबल टू रीड एंड अंडरस्टैंड बैलेंस शीट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको लिखना आना चाहिए। सर कैसी बातें करते हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उनको आता ही होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ वेरियस कंपनीज आर नॉट क्वालिफाइड कॉमर्स ग्रेजुएट्स ना, हो सकता है कोई व्यक्ति इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो व्यक्ति बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे है, तो उस व्यक्ति को जरूरत है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना आता हो, तो ऑडिट कमिटी में उन डायरेक्टर्स को नहीं लेंगे, ऑडिट कमिटी में टोटल डायरेक्टर्स में से सिर्फ उन डायरेक्टर्स को लेंगे विच आर फाइनेंशियली लिटरेट। तो ऑडिट कमिटी के सारे मेंबर्स शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी एन, एक व्यक्ति शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्सपर्ट होना चाहिए एक व्यक्ति, ऑल ऑफ देम शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट, ऑल मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स एंड एटलीस्ट टू थर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। चलो पॉइंट आराम से याद आते हैं, डायग्राम कैसे बना था, पहले मैंने तीन लोगों को ड्रॉ किया, मतलब पहला पॉइंट हो गया एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स, उसके बाद में टू थर्ड शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, ऑल शुड बी फाइनेंशियल लिटरेट एंड एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी एन एक्सपर्ट ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बहुत आसान, ठीक है। आगे जाते हैं, चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, कि आपके मान लीजिए टोटल कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं, आपके तीन डायरेक्टर्स हैं, तीन में से टू थर्ड हैव टू बी इंडिपेंडेंट, किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही आप बनाएंगे अपना चेयरमैन। सर बहुत ज्यादा आसान है, किसी एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को ही हम बनाएंगे हमारा चेयरमैन, तो मैं चेयरमैन के लिए सिर पे उसके क्राउन बना देता हूं, बस याद रहेगा एटलीस्ट वन ऑफ द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैज टू बी द चेयरमैन एंड देन चेयरमैन हैज टू बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग, चेयरमैन हैज टू बी प्रेजेंट एट द एनुअल जनरल मीटिंग टू आंसर शेड्यूल्ड क्वेरीज, दैट इज ऑल्सो ओके। फिर उनके बिहाफ पे कोई और अटेंड हो सकता है, दैट इज ठीक है। मीटिंग, The committee shall meet at least four times a year and not more than 120 days shall elapse between two meetings. ये मैं आपको पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं समझता, क्योंकि ये तो normal general meeting rule हो गया ना, साल में चार बार meeting होनी चाहिए और maximum gap हो सकता है 120 days का, तो without efforts याद होता है, तो ठीक है meeting की बात करता हूं मैं आपको, four meetings per year, एंड जो मैक्सिमम गैप की बात करते हैं
वो होगा 120 डेज का. तो फोर मीटिंग से ईयर एंड मैक्सिमम गैप वुड बी ऑफ 120 डेज. लाइफ इज इजी अपटिल हियर ऑल्सो, कोई परेशानी नहीं है. कोरम अच्छे से, द कोरम फॉर ऑडिट कमिटी शेल ईदर बी टू मेंबर्स और 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ ऑडिट कमिटी विच एवर इज ग्रेटर विथ एटलीस्ट टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. भाई ये आप गलती करोगे, मैं बता रहा हूं, ये आप नहीं लिखोगे, क्योंकि पूरे एलओडीआर में जगह जगह पे अलग अलग प्रकार का कोरम दिया है, बट कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि कम से कम दो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए. ये सिर्फ ऑडिट कमेटी के कोरम के अंदर है, तो यहां पर आप गलती करेंगे. तो आपका जो मॉड्यूल है उसी के अंदर मैं 4 मार्क कर रहा हूं, ये मेरा हाईलाइट किया हुआ मॉड्यूल मैं आप तक पहुंचा दूंगा. ठीक है, चलो अब कोरम क्या है ध्यान रखना है उसके अंदर. सबसे पहले कोरम तो नॉर्मल है 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट. तो कोरम में वैसे नॉर्मल कोरम तो ठीक है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विथ एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट. यहां पर ये पार्ट है ना, ये सरप्राइजिंग है. मैं आपको एक बहुत भारी प्रोविजन पढ़ाऊंगा आज, तो कैसे पढ़ाऊंगा, प्रोबेबली इसके नेक्स्ट सेशन जब होगा हमारा एलओडीआर का तब पढ़ाऊंगा, जिसके अंदर बताऊंगा कि ये तो नॉर्मल हो गया. कुछ लिस्टेड कंपनीज के अंदर कह देते हैं 1/3 और 3 विच एवर इज हायर, तो वहां पे वो स्पेशल प्रोविजन हो जाता है. बट वहां पे क्या बोलते हैं 1/3 और 3 विच एवर इज हायर विद एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट. बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, याद रखना पड़ेगा. ऑडिट कमिटी पे फोकस करते हैं. ऑडिट कमिटी का कोरम क्या होता है, 1/3 और 2 विच एवर इज हायर विद एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स प्रेजेंट. बहुत ज्यादा आसान. और इसके बाद में एक छोटा सा पॉइंट लिख देता हूं अदर्स करके, कि अगर आपने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू कर रखे हैं देन इतना सा प्रोविजन है दैट ऑल द डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स. जैसे कि हमने कहा कि 2/3 डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट, बट इफ एट ऑल यू इशूड एसआर इक्विटी शेयर देन ऑल द डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट. चलिए जबरदस्त, अब आते हैं सेकेंड कमिटी के ऊपर रूल. ठीक है, सेकेंड कमेटी, सेकेंड कमेटी के अंदर देखा है नॉमिनेशन एंड रेमुनेशन कमेटी. सबसे प्यारी बात, सबसे पहला, ये ऑलमोस्ट इसका भाई है, द कमिटी शेल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 3 डायरेक्टर, सेम पिंच. ऑल डायरेक्टर्स ऑफ कमिटी शेल बी नॉन एग्जीक्यूटिव. यहां पे अलग है प्रोविजन. सर ये ऐसा क्यों रखा है, अरे बेटा जी एक कंपनी के अंदर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का रेम्यूनरेशन डिसाइड करना, उनको नॉमिनेट करना इज मोर इंपॉर्टेंट, नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को लाना इज मोर इंपॉर्टेंट. तो जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं वो बैठ के डिसाइड करते हैं कि अगला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन बनेगा, ताकि बायसनेस ना आए. तो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं यहाँ पे सारे के सारे इन द नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी. उसके बाद में एटलीस्ट 50% ऑफ डायरेक्टर शैल बी इंडिपेंडेंट, वहां पे था 2/3, यहाँ पर 50 है. रुक जाओ, अभी के लिए 50 पढ़ाता हूँ. यहां पर भी ऐसा समझ लो कि आई हैव टू टीच यू एन अमेंडमेंट. ठीक है, तो अभी तो हम ये जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं. 50% जो डायरेक्टर्स हैं दे हैव टू बी इंडिपेंडेंट, और अगर उन्होंने एसआर इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं देन एसआर इक्विटी शेयर्स 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ऐसा है, ज्यादा आपको कंफ्यूज नहीं करता. अभी यहां पे जो ये 50% लिखा है ना, दिस हैज बीन अमेंडेड एंड दिस इज ऑल्सो नाउ 2/3. ठीक है, ये 2/3 उड़ चुका है, कंफ्यूजन नहीं. जनरली अमेंडमेंट्स में एंड में डिस्कस करता था ताकि आपके दिमाग में याद रहे कि ये चेंज है, लेकिन यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करता हूँ, यहाँ पे आपको आसानी से याद रहेगा बिकॉज ऑलरेडी ऑडिट कमिटी में कितना है 2/3, तो नॉमिनेशन रेमुनेशन में भी कितना हो चुका है 2/3. चलो इधर आ जाता है, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी. भैया मिनिमम 3 डायरेक्टर्स तो एज इट इज बना देता हूं, मिनिमम 3, 3, 3, लेकिन यहां पर कह दिया ऑल ऑफ देम हैव टू बी non-executive. जैसे पिछले पॉइंट में कहा था कि all of them have to be financially literate, यहाँ पे कह दिया all of them have to be a non-executive director. सर independent कितने होने चाहिए, 2/3. अमेंडमेंट के बाद में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैव टू बी 2/3. तो नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी के अंदर भी 2/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स हैव टू बी इंडिपेंडेंट. लाइफ इज वेरी इजी, मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, ऑल हैव टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव, 2/3 हैव टू बी इंडिपेंडेंट. बहुत ज्यादा आसान. चेयरपर्सन, द चेयरपर्सन शेल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चेयरपर्सन बनेगा, पर यहाँ पे एक छोटी सी बात बोली गई है, द चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी, जो लिस्टेड एंटिटी का चेयरपर्सन है, दैट पर्सन कैन बी अ मेंबर ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी. द चेयरपर्सन ऑफ द लिस्टेड एंटिटी कैन बी अ मेंबर ऑफ नॉमिनेशन रेमुनरेशन कमिटी बट कैन नॉट शेल नॉट चेयर सच कमिटी. मतलब the chairman of the listed entity whether executive or non executive may be appointed as a member of the committee but shall not chair such committee. matlab jo company ka chairman hai wo nomination remuneration committee ka chairman nahi ban sakta, jo company ka chairman hai wo nomination remuneration committee ka chairman nahi ban sakta. theek hai, to thoda sa
चेयरमैन कौन होगा? चेयरमैन शैल बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की, सॉरी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की सिर पे मैंने बना दिया थ्रोन. ये गंदा सा थ्रोन है सर, हाँ, लेकिन इससे बस ये समझ में आएगा कि चेयरमैन यही व्यक्ति बनता है. वहां पर भी चेयरमैन हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, यहां पर भी चेयरमैन हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ठीक हैज टू बी प्रेजेंट एट द मीटिंग. ठीक है, कमिटी शैल मीट एट लीस्ट वंस अ ईयर. वहां पर था फोर टाइम्स इन अ ईयर, यहां पे कह दिया अरे मस्ती में रहो आप, यहां पे यू हैव टू जस्ट मीट वंस इन अ ईयर. कमिटी शैल मीट वन मीटिंग पर ईयर, वन मीटिंग पर ईयर. ठीक है, बस इजी पीजी कुछ नहीं है. अब कोरम पे आ जाते हैं. द कोरम फॉर मीटिंग ऑफ नॉमिनेशन कमीशन शैल बी इधर टू मेंबर्स और वन थर्ड विच एवर इज ग्रेटर इंक्लूडिंग एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट. ये नॉर्मल है, यहां पे सेम जैसा होता है, वन थर्ड और टू विच एवर इज हायर विथ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट. बात समझ में आ रही है? टू था तो उसको एक्सेप्शनली याद रखना है, वन तो नॉर्मल ही है. ये हो गया आपका नॉमिनेशन रेम्यूनरेशन कमिटी. लाइफ इज वेरी इजी. फर्स्ट के अंदर रखना है, कॉम्पोजिशन के अंदर एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स, टू थर्ड हैव टू बी इंडिपेंडेंट, ऑल ऑफ देम हैव टू बी नॉन एग्जीक्यूटिव. क्लियर है? चलो उसके बाद में चेयरमैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. ऑडिट कमिटी में भी था चेयरमैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अब यहां पर आता हूं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, थर्ड वन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी. स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी सबसे पहला, द कंपनी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर. सेम है वापस, कम से कम तीन डायरेक्टर आपके होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए, होने चाहिए. चले हर्षित, एकदम मजे में रहो. आपको मैं एक फोरम है उसका लिंक भेज देता हूं, आपके लिए काफी आसान हो जाएगी चीजें. हाँ हाँ गौतम जी, मैं डिसाइड कर लेता हूं कैसे करना है, चिंता मत करो आप. स्टेक होल्डर रिलेशन कमिटी, द कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट थ्री डायरेक्टर्स, कम से कम तीन डायरेक्टर होने चाहिए, सेम हो गया. द कमिटी शैल हैव एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, टू थर्ड इंडिपेंडेंट, टू थर्ड इंडिपेंडेंट, वन इंडिपेंडेंट. पहले याद रखना आसान होता था, टू थर्ड 50% वन, द रिक्वायरमेंट वॉज डिमिनिशिंग, बट नाउ इट इज टू थर्ड वन. ठीक है, इनकेस ऑफ लिस्टेड एंटिटी हैविंग एसआर है तो टू थर्ड शेड बी टू थर्ड ऑफ द स्टेक होल्डर कमिटी शैल कंप्राइज ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. वो सेम ही है कि अगर मान लीजिए एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है तो कम से कम टू थर्ड आपके इंडिपेंडेंट होने चाहिए. लाइफ बहुत आसान है, धीरे धीरे ईजी होता जा रहा है. मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, ठीक है सर, डी डी डी, मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स. यहां पे इंडिपेंडेंट कैसा चाहिए? सिर्फ एक, ओनली वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. तो स्टेक होल्डर लीडरशिप कमिटी के अंदर मिनिमम थ्री डायरेक्टर्स, एटलीस्ट वन हैज टू बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. यहां पे देखते हैं, थ्री डायरेक्टर, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एसआर वाला पॉइंट तो हम एंड में लिख लेंगे. ठीक है, चलो अब हम चाहे लिखना तो यहां पे भी लिख सकते हैं, सेम जो इन्होंने यहां पे लिखा है. नॉमिनेशन रेमुनरेशन में भी यही हो जाता है और ये भी मोर ऑर लेस यही हो जाता है कि अगर आपने एसआर इक्विटी शेयर इशू किए तो एटलीस्ट टू थर्ड डायरेक्टर्स शुड बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. चलो अब आते हैं उनकी मीटिंग के ऊपर. एसआर इक्विटी शेयर, चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी शैल बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. अभी तक हम क्या याद करते आते हैं, चेयरमैन शुड बी एन इंडिपेंडेंट, चेयरमैन शुड बी एन इंडिपेंडेंट, दोनों में. यहां पे लिखा चेयरमैन हैज टू बी एन नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. द चेयरपर्सन ऑफ द स्टेक होल्डर कमिटी शैल बी प्रेजेंट एट द एजीएम. एजीएम पे सबको आना है, बहुत अच्छी बात है. चेयरमैन शुड बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. अब इसको उस डायग्राम में डिपिक्ट करना जरूरी मुश्किल है, तो यहां पर ऐसा बोल रहा हूं मैं, चेयरमैन हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. तो ये अलग रखा है, नॉर्मली लिखा है चेयरमैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन हैज टू बी इंडिपेंडेंट, चेयरमैन हैज टू बी अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर. ये डिफरेंशिएशन कंफ्यूज करता है, तो कॉम्प्लिकेट नहीं करना है. ठीक है सर, हो जाएगा. उसके बाद में द कमिटी शैल मीट एटलीस्ट वंस इन अ ईयर, बहुत अच्छी बात है, सेम वन मीटिंग पर ईयर. और इसके बारे में यहाँ पे कुछ भी दे नहीं रखा है, खत्म, कुछ भी नहीं दे रखा है, ये ओवर हो जाता है. रोल वगैरह इन्होंने, रोल जो हर एक का दे रखा है, रोल में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है. पार्ट डी शेड्यूल टू, पार्ट डी शेड्यूल टू, पार्ट सी शेड्यूल टू, बताया कि कौन से शेड्यूल के किस पार्ट में इसका रोल दे रखा है, बस दैट्स इट. आप इतना सा भी याद रखना चाहते हो लिख सकते हैं, शेड्यूल टू के अंदर सबके पार्ट होते हैं, पार्ट सी के अंदर दे रखा है ऑडिट कमेटी का, पार्ट डी में दे रखा है नॉमिनेशन रेमुनेशन स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी का, और ये डी में ही दे रखा है आपको रिस्क मैनेजमेंट कमेटी का भी. तो तीनों का डी में है, बस एक का सी में है. अब आते हैं हम लोग टुवर्ड्स द लास्ट वन, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी. रिस्क मैनेजमेंट कमेटी अलग है. पहली चीज तो ये भी कि रिस्क मैनेजमेंट कमेटी इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑल द कंपनीज, ये सिर्फ टॉप कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल है, वो उस चार्ट के अंदर बात करते हैं. बट पहले हम लोग रिस्क मैनेजमेंट कमेटी को फोकस करते हैं. सबसे सुंदर बात, हर जगह पे लिखा था इट शुड कंप्राइज ऑफ मिनिमम थ्री डायरेक्टर, थ्री डायरेक्टर, थ्री डायरेक्टर. यहां पे क्या लिखा है, द रिस्क मैनेजमेंट कमेटी शैल हैव मिनिमम थ्री
मेंबर मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो डायरेक्टर नहीं है वो रिस्क मैनेजमेंट कमिटी का मेंबर बन सकता है। लेकिन पहले तीन कमिटी में सिर्फ डायरेक्टर्स की बात कर रहे थे, यहां पे नॉन डायरेक्टर जो सीनियर मैनेजमेंट होता है वो ही मेंबर बन सकता है। मिनिमम थ्री मेंबर विद मेजोरिटी ऑफ देम बीइंग डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। यहीं पे सब कुछ खत्म कर दिया उन्होंने। ध्यान से समझना, लास्ट रिस्क मैनेजमेंट कमिटी विथ मिनिमम थ्री मेंबर, तीन मेंबर होने चाहिए, मेजॉरिटी शुड बी ऑफ डायरेक्टर। मैं इसको लिख नहीं पाऊंगा डायग्राम में, मेजॉरिटी डायरेक्टर की होनी चाहिए और विथ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वापस एक बार, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी हैज टू हैव मिनिमम थ्री मेंबर, मेजॉरिटी हैज टू बी ऑफ डायरेक्टर विथ एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सर अगर इन्होंने एसआर इक्विटी इशू किया है तो टू थर्ड इंडिपेंडेंट होंगे। बहुत बढ़िया सर, ये तो सब जगह सेम ही है कि अगर किसी भी कमेटी वालों ने किसी ने भी एसआर इक्विटी इशू किया है तो उनके टू थर्ड हो जाते हैं इंडिपेंडेंट। लाइफ इज इजी हियर। पहले इसके अंदर ओ यस 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 वेट 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 ये कह रहे हैं पहले के अंदर ओके वेट सही कह रहे हैं। यहां पर आ जाएगा अगर एसआर इक्विटी शेयर इशू किया है तो हम कह देते हैं टू थर्ड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दैट विल बी कॉपीड। लॉजिकल लॉजिकल। फर्स्ट के अंदर नॉर्मल रिक्वायरमेंट ही टू थर्ड की है। अगर हम बात करते हैं ऑडिट कमिटी की तो उसके अंदर नॉर्मल रिक्वायरमेंट ही टू थर्ड की है, तो उसके अंदर अगर आपके एसआर इक्विटी शेयर इशू किए तो आपको सारे के सारे होने पड़ेंगे इंडिपेंडेंट, बाकी सबके अंदर टू थर्ड। अब हम लोग आ रहे हैं यहां पर एसआर इक्विटी शेयर की टू थर्ड, द चेयरमैन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर एग्जीक्यूटिव ऑफ द लिस्टेड एंटिटी मे बी मेंबर ऑफ द कमिटी। मतलब रिस्क मैनेजमेंट कमिटी के अंदर देयर हैज टू बी थ्री मेंबर, मिनिमम थ्री मेंबर, मेजॉरिटी ऑफ देम हैव टू बी डायरेक्टर विद एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके सर, चेयरमैन कौन बन सकता है? कोई भी एक डायरेक्टर, कोई भी एक डायरेक्टर चेयरमैन बन सकता है। यहां पर इस कमिटी के अंदर मेंबर बनते ना दूसरे लोग भी अदर देन डायरेक्टर, लेकिन वो चेयरमैन नहीं बन सकते, चेयरमैन हैज टू बी एनी वन ऑफ द डायरेक्टर। इजी। चेयरमैन कौन बनेगा? चेयरमैन बनेगा कोई ऐसा व्यक्ति जो कि डायरेक्टर है। चेयरमैन बनेगा ऐसा व्यक्ति जो कि डायरेक्टर है। इजी। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। पता चलता है कमिटी की मीटिंग एटलीस्ट ट्वाइस इन अ ईयर। तो अगर हम देखते हैं सबसे पहले बोला था फोर टाइम्स इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ ईयर। ठीक है, टू मीटिंग इन अ ईयर, इसके नीचे कुछ और भी लिखवाएंगे शायद। ये देखो, द कोरम ऑफ अ मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी इधर टू और वन थर्ड विच एवर इज हायर इंक्लूडिंग एटलीस्ट वन मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इनका कोरम क्या है? ऊपर तो सेम है, वन थर्ड और टू विच एवर इज हायर, बट जैसे नॉर्मली हम लिखते हैं टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर परसेंट प्रेजेंट, वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट, ये कहते हैं वन डायरेक्टर हैज टू बी प्रेजेंट, एटलीस्ट वन डायरेक्टर हैज टू बी प्रेजेंट। ठीक है सर, लाइफ आसान है। और अगर हम लोग देखते हैं वापस, बात खत्म, द मीटिंग ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमिटी शैल बी कंडक्टेड इन सच मैनर दैट ऑन कंटिन्यूअस बेसिस एंड नॉट मोर देन 180 डेज शैल लैप्स बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मीटिंग। मतलब मैक्सिमम गैप कितना दे रखा है? 180 डेज का। इसको मैं यहां पे लिखता हूं, मैक्सिमम गैप 180 डेज। कि आपको साल में ऑडिट कमिटी में चार मीटिंग करनी थी एंड गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। यहां पे साल में आपको दो मीटिंग करनी है लेकिन गैप 180 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए बिटवीन टू मीटिंग। टिंग टिंग टिडिंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट योर कमिटीज। अगर इसमें आप लिखना चाहते हैं उनका रोल कहां लिखा हुआ है, तो रोल इन्होंने बता दिया कौन से शेड्यूल में दिया है, शेड्यूल टू टू टू, शेड्यूल टू में दे रखा है, बट पार्ट सी, पार्ट डी एंड पार्ट डी। अगर इस प्रकार से लिखते तो थोड़ा सा एग्जामिनर को लगता है कि भाई इसको बहुत ज्यादा कुछ पता है, बट इसको पढ़ने हमको पता है ना, भोंदू है हम, हमको इसके अंदर का कुछ नहीं पता है क्योंकि मॉड्यूल में उन्होंने इसके अंदर का नहीं दे रखा है। उन्होंने बस बोल दिया कि एलओडीआर के शेड्यूल टू के पार्ट सी में दे रखा है, वैसे एग्जाम में लिखना थोड़ा सा हैवी लगता है, बस दैट्स इट, बाकी कुछ भी नहीं। तो बस ये एग्जाम की थोड़ी मजबूरियां हैं जिसके कारण हमारी प्रिपरेशन के अंदर हमें कुछ शेड्यूल बस उन्होंने नाम बता दिया, डज नॉट मेक एनी सेंस बिकॉज उनके अंदर का उन्होंने बताया नहीं है। और यहां तक हम लोग पहुंच चुके। मैं आपसे क्या अपेक्षाएं रखता हूँ, मैं आपसे ये अपेक्षा रखता हूँ कि आई विल ट्राई कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर ही और टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये जो सब नोट्स हैं इसे मैं तुरंत ही शेयर कर दूँ। आपसे मेरी अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हैं इस चैप्टर के अंदर, इस चैप्टर के अंदर मेरी अपेक्षाएं ज्यादा क्यों हैं
जस्ट बिकॉज बाकी चैप्टर्स तो हम लोग हमेशा भी अच्छे पढ़ते हैं, ये चैप्टर के अंदर रिसेंटली आईसीएसआई का फोकस थोड़ा ज्यादा हो रहा है, तो इस चैप्टर को थोड़ा एक्स्ट्रा प्रेम से पढ़ना पड़ेगा ताकि एग्जाम में अगर कुछ हो। एनीवेज एग्जाम इज अ बेट, सट्टा है भाई, हो सकता है उनका मूड बन जाए वो एलओडीआर पे कोई क्वेश्चन ना पूछे, हो सकता है उनका मूड बन जाए 20 मार्क्स का एलओडीआर पे पूछ ले, तो सब उनके मन पे है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम सारे चैप्टर्स को एक डिटेल प्रोमिनेंस से पढ़ के जा सकते हैं। इसके अंदर हम लोगों ने आज यहां तक पहुंच गए, मुझे लग रहा था कि हम कंफर्टेबली कर पाएंगे पूरा, बट ऑफ कोर्स इट इज परफेक्टली फाइन, बफर डेज रखें, तो कोई भी एक बफर डे पे मैं आपको बताता हूं कब होगा एंड हम इसका रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट कर लेंगे। रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करने में मुझे मैक्सिमम लगेगा क्या 1 आवर। अब रिमेनिंग पार्ट में ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, हम पहले ये सब रिवाइज भी कर लेंगे, रिमेनिंग पार्ट को वापस एक बार ले लेंगे। आपसे मेरी क्या अपेक्षा है, आपसे मेरी अपेक्षा है कि आप एक बार ये पूरा पार्ट अच्छे से पढ़कर आएंगे, एंश्योर ये पूरा पार्ट अच्छे से पढ़कर आएंगे। जो ये वाला पार्ट है वन टाइम क्वार्टरली हाफ ईयरली, इसको बस एक बार रीड कर लेना, इसको कंठस्थ मत करना क्योंकि उसमें अमेंडमेंट पढ़ाने बाकी है, तो अमेंडमेंट पढ़ाऊंगा फिर उसको कंठस्थ करोगे तो बेहतर है आपके लिए, और बाकी सब चीजें तो आपने कंठस्थ भी कर ली तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड द नेक्स्ट सेशन प्रोबेबली वी विल रैप इट अप इन डिटेल, दैट विल बी ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर नाइस पेशेंस एंड आई विल टेक योर लीव। यस थैंक यू सो मच एरो, दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड, मैं कोशिश करूंगा तुरंत प्रभाव से आपको जो नोट्स हैं आज के लिखे हुए वो आप तक प्रोवाइड करा दूंगा। थैंक यू सो मच।